Them. Let's come to the third part. Let us come to the third part. Retrenchment compensation. Section 10B. Retrenchment compensation. ये सिंगल पोर्ट्रेट पेज में हो जाएगा, इसके लिए पेज टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। आगे का कोई पेज आपने खाली रखा होगा, ये वहां पे भी बना सकते हो। आगे का कोई पेज खाली रखा होगा, आप वहां पे भी बना दीजिए, इट्स फेयर ना। आई जस्ट अच्छा जी, हाँ जी, तो बात उन दिनों की है, एक मिनट रुको, अब हाँ जी, तो बात उन दिनों की है जिस दिन मेरा वो भाई, तेरा नाम क्या है? हेमंत। हाँ, तो बात उन दिनों की है कि हेमंत अपना काम कर रहा था बैठ के ऑफिस में, इतने में बॉस आई। बॉस आके बोलती है, सुन रहे, तुम पहले बोलो, बाद में मैं बोलता हूँ। इतने में बॉस आई, बॉस बोलती है, हेमंत, दिस इज योर रेजिग्नेशन लेटर, कल से आपको नहीं आना है, यू आर किक्ड आउट ऑफ योर ऑफिस। इतने में हेमंत, क्या क्या क्या, ऐसा थोड़ी बनता है मैडम, जब आपको चाह रख लिया, जब चाह निकाल दिया, मैं कौन? आपका मूड हमारा, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपने जब चाहा जॉब पे रख लिया, आपने जब चाहा जॉब पे रख लिया, आपने जब चाहा जॉब पे निकाल दिया, ऐसे नहीं जाऊंगा, पैसे लूंगा, मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं सबको बताऊंगा,
नहीं तो मैं सबको बताऊंगा कि इन्होंने अनलॉफुली मेरे साथ ऐसा काम किया है। एंड मैं आपको कोर्ट तक घसीटूंगा। क्या होता है, कई बार कंपनी रिट्रेंच कर देती है एम्प्लॉय को। रिट्रेंच करना मतलब बाहर निकालना। सेक्शन को याद रखने का तरीका, जब एम्प्लॉय को बी से बाहर निकाला, याद रखने का सिंपल तरीका, ए 10-10, जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 10 out of 10 दिए ग्रेच्युटी, 10-10 A, अब मैं आराम करूंगा, 10-10 B, जब बाहर निकाला। क्लियर है? अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ रीसेंट टाइम्स में इसके अंदर में। पहला किंगफिशर, जिसके कारण पूरा इशू किंगफिशर का बाहर आया था कि बॉस ही वॉज नॉट एबल टू पे, द एम्प्लॉय सैलरी, जिसके कारण उसको बाहर निकाला। रीसेंट टाइम्स में ऑटोमोबाइल कट डाउन कर रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑलमोस्ट 20% से डाउन है, वो अपने एम्प्लॉय को क्या किया जा रहा है, रिट्रेंच किए जा रहा है, धीरे धीरे हटाए जा रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। लेबर लॉ के हिसाब से, लेबर लॉस के हिसाब से, एनी एम्प्लॉयर कुड नॉट फायर एन एम्प्लॉय इन बिटवीन द टर्म्स ऑफ सर्विस, इफ ही सो डूज ही हैज टू पे अ कंपनसेशन। द कंपनसेशन इज नेम्ड एज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। द कंपनसेशन इज नेम्ड एज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। नाउ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन हैज इट्स ओन प्रोविजंस इन द लॉ। व्हाट इज इट, लेट्स चेक। एज पर द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अदर्स, एज पर द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्प्ट अदर्स, whatever is actual less lower of, पहला actual, दूसरा maximum limit 5 lakh, तीसरा amount determined as per Industrial Dispute Act, taxable. If it is as per the scheme of central government, if it is as per the scheme of central government exempt, others lower of three things, जैसा कि आपको याद होगा ये सैलरी का सिर्फ एक पार्ट है, this will be one of the working note in total salary, lower of three thing, पहला actual, दूसरा maximum limit 5 lakh, तीसरा अमाउंट डिटरमाइंड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। चेक, अमाउंट डिटरमाइंड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो एक बात समझिए, अगर ये रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई होगी तो ये टोटली एग्जाम, अगर बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बनाई होगी तो फिर एग्जम्पशन अवेलेबल है 10-10 B के अंदर। कितना एग्जम्पशन अवेलेबल है, पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 5 lakhs, तीसरा अमाउंट डिटरमाइंड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब एक मजेदार चीज बताता हूं, एक बार CA फाइनल में ये पूछ लिया, ठीक है, और अमाउंट डिटरमाइंड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट देना ही भूल गए। जनरली अमाउंट डिटरमाइंड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आप थोड़ी निकालेंगे, ये एक्सपेक्टेड था आपको इंस्टीट्यूट देगा, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला दिया ही नहीं था, बराबर है, इंस्टीट्यूट ये देना ही भूल गया। सारे बच्चों ने बोला कि आपने दिया नहीं था, इसके तो हमें मार्क्स मिलने चाहिए।
इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं, इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ सीए स्टूडेंट दैट ही शुड नो हाउ टू डिटरमाइन अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. सारे सीए स्टूडेंट एक नंबर. अब ये हम कैसे डिटरमाइन करें? वो बोले वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे. सी एज अ ग्लोबल प्रोफेशनल यू शुड नो ना. मस्त एक नंबर. वहां से हमें समझ में आया कि बच्चों को ये भी पूछ सकते, तो मैंने एडिशनली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का भी प्रोविजन यहां पे लेके आया है. मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं राइट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का प्रोविजन कैसे निकालते हैं. सो इसी के नीचे नोट लिखिए. How to determine amount as per IDA. IDA into average salary of 3 months into number of years of completed service or part thereof in excess of 6 months. Done. So 15/26 कैसे निकालते हैं अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 15/26. एक मिनट, अब शायद मुझे बताने की जरूरत है आप इससे वाकिफ है ऐसा क्यों. 15/26 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी. आहा, 15/26 इनटू एवरेज सैलरी ऑफ 3 months. एक मिनट, आपका यहां एक सवाल आना चाहिए, यहां आपका एक सवाल मेरे से आना चाहिए. पूछो ना सर, सैलरी बोले दो, बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट. कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर नहीं है. ओ तो इससे हमें नया चैलेंज पता चला, हर चीज का सैलरी का मीनिंग अलग है. और ये एक और चैलेंज है जो सैलरी में आपको एक्सेप्ट करना है. से यस. तो कितना अच्छा हो अगर एक पेज शॉर्टकट बोल के लिखा जाए, बनाया जाए, ग्रेच्युटी कवर्ड में सैलरी क्या, नॉट कवर्ड में सैलरी क्या, रिट्रेंचमेंट कंपनी के लिए क्या, एचआरए के लिए क्या. तो एग्जाम से एक दिन पहले ये इतना बड़ा शॉर्टकट हो जाएगा कि किस चीज के लिए सैलरी क्या है ना. तो ये आपका छुट्टियों का होमवर्क है कि किस पेज में सैलरी क्या है. छुट्टियां तो एंजॉय कर लेने दो. मस्त. चलिए सुनिए, सैलरी का मीनिंग क्या है. बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट. सो वापस से देखते हैं. 15/26 इनटू एवरेज सैलरी ऑफ 3 months इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड पार्ट देयर ऑफ 6 months. समझ में आया. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस पार्ट देर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months. ये ग्रेच्युटी कवर्ड वाला ही फॉर्मूला है, बीच वाला पार्ट चेंज हो गया है. लास्ट ड्रॉन सैलरी की जगह क्या आ गया है, एवरेज सैलरी ऑफ 3 months. काम खत्म. क्लियर है. चलो वापस आके देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए. रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन लिखा है 10(10)(b) के अंदर में, जो कहता है अगर एज पर द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट होगा तो एग्जम्प्ट, अदरवाइज एक्चुअल 5 lakh या अमाउंट डिटरमाइंड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में चले गए, वहां समझ के आए कि फॉर्मूला क्या है. यस और नो? अच्छा एक मिनट, इस पे एक गुरु जांबेश्वर केस लॉ है. कौन सा? हाँ गुरु जांबेश्वर केस लॉ. ये कहता है टेक 15/30
इंस्टेड ऑफ 15/26। गुरु जांबेश्वर केसलो कहता है 15/30 लीजिए 15/26 के जगह। अब आप ये पूछेंगे तेल लगाने गया, ICI क्या बोलता है ये बोलो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, गुरु जांबेश्वर केस, ICAI के हिसाब से क्या करना है? ICAI, ICSI, ICMAI तीनों के लिए 15/26 वाला फॉर्मूला है, 15/30 वाला फॉर्मूला नहीं है। तो आपने क्यों लिखाया? नॉलेज कि ऐसा कोई केस लॉ एग्जिस्ट करता है जो इसमें 15/26 के जगह क्या बोलता है, 15/30। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिख के रख दो, यूज इट। गुरु जांबेश्वर का केस मत यूज कीजिएगा, ये केस यूज कीजिएगा। तो तुम्हें तो समझ आ ही गया होगा, बोलो। हाँ यहां पे भी लिखो, रेफर प्रॉब्लम नंबर 17 पेज नंबर 43। गो ऑन प्रॉब्लम नंबर, रिटायरमेंट बेनिफिट की लिस्ट में जाओ, रिटायरमेंट बेनिफिट की लिस्ट आपने खुद ने स्वयं के हाथों से लिखी थी, है ना, बराबर। पहले उसे ढूंढ ले, और किसी के पास वो स्टिकी नोट होगा, स्टिकी नोट होता है ना कलर कलर का, ऐसा करके चिपका दे उधर, ठीक है। अब चिपकाएंगे ना, नहीं चिपके तो लड़कियों का मस्त है, ऐसे ऐसे करके चिपका सकती हो, ठीक है। ऑयली हेयर्स के कारण ऐसा हो सकता है, लड़के डन चला दो, कृपया ये मत सोचे कि मैं ये कहां से सोचता हूं वो ना हो पाएगा। आइए बेटे देख सुन, टिक कर दे, आई थिंक वी हैव डन विद ग्रेच्युटी, हाँ या हाँ, वी हैव डन विद पेंशन, वी हैव डन विद रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, द नेक्स्ट इज वी आर एस। सो आ जाओ हैशटैग वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, आ जा मेरे बच्चे, VRS सेक्शन 10C। याद रखने का तरीका, अब मैं काम करना छोड़ रहा हूं, मैं VRS ले रहा हूं, काम करना छोड़ रहा हूं, मैं काम करना छोड़ रहा हूं। देखिए सेक्शन को फिर से एक बार याद दिला दूं, एम्प्लॉयर ने 10 out of 10 दिया ग्रेच्युटी, 10A, अब मैं आराम करूंगा, पेंशन की जिंदगी जीऊंगा। जब एम्प्लॉयर ने बाहर निकाला रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, 10B, मैं काम करना छोड़ रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं, VRS। तो फिर बात उन दिनों की है, बात उन दिनों की है, राइट, जब ये मेरा भाई, भाई तेरा नाम क्या है, प्रतीक, हाँ। तो बात उन दिनों की है जब प्रतीक बैठा था, इतने में बॉस आई, बॉस आके बोलती है, सुनो तो, बॉस आके बोलती है, प्रतीक अब तुम काफी बूढ़े हो चुके हो, तुमसे ना हो पाएगा, हमें इस काम को करने के लिए एक यंग, तुम्हारी टेक्निक्स एंड मेथड ओल्ड हो चुकी है, एंड वी नीड सम यंग टैलेंटेड पीपल। प्रतीक भी यू नो हमसे पढ़ा होता, प्रतीक ने भी कह दिया, मैडम कितना भी कर लो, एक्सपीरियंस ही होता है। आप अबे सुनो तुम, मैडम आप हमें यूं ही निकाल देंगे, ऐसे कैसे चलेगा, नए बच्चे कर क्या लेंगे, नहीं पर आप काफी ओल्ड हो चुके हैं, अब ऑर्गेनाइजेशन को यंग टैलेंट चाहिए, आप ज्यादा दौड़ नहीं पाते, मैडम क्या है, आपने हमें कहा था कि हम जो रिटायरमेंट है कंपनी का वो 60 में लेंगे,
और हमारी उम्र अभी तक 60 हुई नहीं है, तो जल्दी छोड़ने के लिए हमें चाहिए कंपनसेशन। आई होप अब तक कि आपको एक कन्वर्सेशन समझ आ गया होगा, ठीक है, जिस एंगल से आप सोच रहे हैं उस एंगल से नहीं, मेरे को क्योंकि समझ गया है आप किस एंगल में लेके जाएंगे। सुनिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड यंग टैलेंट, एक बात समझ के रखिएगा, इसके तीन रीजन होते हैं। यंग पीपल कम विद अ न्यू टेक्नोलॉजी, दे नो मोर अबाउट द मार्केट सिनेरियो, दे आर अवेयर अबाउट द मार्केट अवेयरनेस, एंड दैट्स व्हाई यंग पीपल आर ऑलवेज प्रिफर्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। एट द सेम टाइम जितने ओल्ड हो जाते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है ये ऑर्गेनाइजेशन से बढ़ जाती है। इमेजिन करना, इफ यू आर वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग यू लेट्स से 50,000, अ यंग पीपल कम दे पेड 40,000, जो ओल्ड वाला होगा उसको क्या लगता है, साला मैंने यहाँ पे 20,000 से चालू किया था, आज मेरा 50,000 हो रहा है, ये नया बच्चा आके 40,000 ले रहा है, तो मुझे कम पे किया जा रहा है। दूसरी बात क्या होती है, उसका एक कंफर्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेट हो जाता है, यस और नो? फिर वो उतना मोटिवेटेड नहीं रहता काम करने के लिए, क्योंकि आप सोच के देखिए, एट द एज ऑफ 45 to 50 एवरी पर्सन हैज गॉट समथिंग जो वो डेवलप कर लेता है अपने फ्यूचर के लिए, जो कमाने का मोटिवेशन होता है ना वो उसके साथ गायब हो जाता है। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या वो किसी काम का होता नहीं। दूसरी बात, 40 प्लस के साथ साथ उसके हेल्थ इश्यूज चालू हो जाते हैं, उसके फैमिली इश्यूज चालू हो जाते हैं, उसको छुट्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एट द सेम टाइम जो यंग बच्चा होता है, आप सोच के देखिएगा, वो कम रेट में काम करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसको चाहिए होता है एम्प्लॉयमेंट, उसके सपने होते हैं बाकी, आप उससे एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करवा लो, ही विल ऑलवेज बी रेडी, यस और नो? तो आप कभी भी यंग से ज्यादा काम करवा सकते हो, और इस पोटेंशियल को आई थिंक आप लोगों को लेबर में भी पढ़ाया जाता है कॉस्टिंग के वक्त, कि आवरली पेमेंट, कुछ आवर बेस्ड पेमेंट दिया जाए, कुछ यू नो उनके आउटपुट बेस्ड पेमेंट होने चाहिए, ये सब उसे मोटिवेट करने के लिए था। ये सब जो स्कीम्स लाई गई थी लेबर के अंदर में, ये सब उसको मोटिवेट करने के लिए था कि बॉस तू किसी भी तरीके से तेरा आउटपुट बढ़ा, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को चाहिए आउटपुट, कि बॉस जितना ज्यादा प्रोडक्ट बन के बिकेगा, कंपनी में प्रॉफिट आएगा, तो जाके तुम्हारा सैलरी आएगा। तो अब जो लोग यू नो वर्केबल नहीं होते या इतना आउटपुट जनरेट नहीं कर पाते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सो कंपनी पे देम अ लमसम अमाउंट एंड से यू लीव द जॉब हैप्पीली, इंस्टेड वी यू नो वी रिट्रेंच यू, यू टेक VRS, अर्ली रिटायरमेंट स्कीम, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, इट इज ऑल्सो एन अर्ली रिटायरमेंट स्कीम, राइट? कि तुम अभी निकल जाओ, हमसे एक लमसम अमाउंट ले लो और काम खत्म करो, तुम 60 तक के मत रुको यहां पे, राइट? इसके जगह पे हम कुछ नया करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, इसे आप अलग शब्दों में लेऑफ्स भी कहते हैं, कि बॉस कंपनी क्या कर रही है, लेऑफ कर रही है अपने पुराने एम्प्लॉइज को। मैं आपको कुछ रीसेंट एग्जाम्पल बताता हूं। रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने 32 IAS एंड IRS ऑफिसर्स को सीधा सीधा VRS दे दिया, इंस्टेड उनकी डिग्निटी को हर्ट ना करते हुए उन्हें क्या कर दिया गया, VRS दे दिया गया, बिकॉज दे वर नॉट आउटपुट प्रोड्यूसिंग पीपल, यस और नो? दे वर गुड एज अ एक्सपीरियंस पर्सन, आप इनके एक्सपीरियंस को काम लीजिए, यस और नो? आप इनके एक्सपीरियंस को रखिए, पर आप इन्हें मत रखिए, इज द सिंपल फॉर्मूला। इसीलिए देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नए लोग तो थे बैंक के अंदर में, लेकिन वो एक्सपीरियंस इतना कैश हैंडल करने का, उतने जिम्मेदारी से काम करने का वो नहीं था, इसीलिए हर बैंक ने अपने जो ओल्ड एम्प्लॉइज थे उन्हें वापस से कुछ दिनों के लिए, 3 महीने के लिए रिटेन किया था, ताकि उनका जो इतना कैश हैंडलिंग, कैश मैनेजमेंट या यू नो स्पीड डिसीजंस, क्योंकि उन्होंने ये सिचुएशंस कभी ना कभी हैंडल की होगी, इसीलिए उनको वापस रखा गया, रीइंस्टेट किया गया। और इसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करता है। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर आपको एक लमसम पेमेंट मिल जाता है। कुछ कंपनीज जिनने VRS लिया है, उनमें था पहला टाटा ग्रुप, जिसमें खुद रतन टाटा जी साइरस मिस्त्री के आने से पहले एक VRS लिए थे, आपको अगर याद आ रहा हो तो। फिर देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन साइरस मिस्त्री एंड टाटा ग्रुप, देन अगेन वापस रीइंस्टेट किया गया रतन टाटा जी को, राइट? एट द सेम टाइम ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है। रिसेंटली इंडियन रेलवेज ने क्या किया, अपने जितने भी ओल्ड ऑफिसर्स थे उनको हटाया, रेलवे मिनिस्टर सर पीयूष गोयल, यस और नो? सीए पीयूष गोयल, उन्होंने ये काम किया था, उन्होंने पूरे ओल्ड स्टाफ जितने भी थे मैक्सिमम उन्हें या तो दूसरी जगह पे भेज दिया जहां पे इतना ज्यादा आउटपुट नहीं होता या इतने ज्यादा ट्रेन नहीं आते, और जितने भी यंग टैलेंटेड पीपल थे उनको लेकर के आए, राइट? एट द सेम टाइम आप रिसेंटली भी देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत भी समझते हैं, एक बीजेपी गवर्नमेंट और एक कांग्रेस गवर्नमेंट, अगर आप देखेंगे, कांग्रेस गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी न्यू पीपल कमिंग इन एक्सेप्ट द वन
Yes or no? The youngest heartthrob of every girl. Right? बराबर है कि नहीं है? तो वो एक he's the most handsome bachelor as of now. हंसने की क्या बात है उसमें? हर लड़की चाहती है उससे शादी करे. Is it? बराबर ना? ये उस दिन कह रही थी वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी ऐसा में. So understand. ऐसे केसेस में जब तक यंग टैलेंट नहीं आता, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक व्यक्ति अभी 21 का है एंड ही बिकेम राज्यसभा मेंबर. आई थिंक इज फ्रॉम कर्नाटका और समथिंग, राइट? 21 के अंदर ही राज्यसभा का मेंबर बन गया, तुम यहीं पे बैठे हो. खैर, वो राज्यसभा के मेंबर बन गए और आगे भी बढ़ गए. तो ऐसे केसेस में कई बार ओल्ड को क्या दे दिया जाता है? VRS दे दिया जाता है. कहा जाता है बस अब आप बहुत हुआ एंड आप एक पेमेंट लीजिए और काम खत्म कीजिए. VRS, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम. अब इस स्कीम में जब भी पैसा मिलता है, आइए इसका क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं फटाफट. एक्चुअल लेस लोअर ऑफ एक्चुअल मैक्सिमम लिमिट सी हायर ऑफ पॉइंट नंबर ए लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू थ्री इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस बी लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फॉर सर्विस. Taxable. So actual maximum limit आप लिख सकते हैं, refer page number 7.7. If this is done, आओ सेक्शन का डाइसेक्शन करते हैं. VRS, whenever you receive actual maximum limit 5 lakh, I think these are pretty clear. हर जगह एक मैक्सिमम लिमिट दी है. लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट. इन दोनों में का हायर और इन तीनों में का लोअर विल बी द एग्जम्पशन अवेलेबल. हायर ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी. क्या बोला बेटा उन्होंने? लास्ट ड्रॉन सैलरी. आप पूछेंगे नहीं सैलरी का मीनिंग क्या है. सैलरी बोले तो बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर. तो सैलरी हैज गॉट दिस मीनिंग, बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर. Is it done? So last drawn salary into 3 into number of year of completed service. Point to be noted, here we have only used the word number of year of completed service. Part thereof is considered or not considered? Not considered. Clear? Second, last drawn salary into balance number of month left for service. Mark my word, they have used the word balance number of month left for service. I again repeat, balance number of months left for service.
दे रिक्वायर अस टू कैलकुलेट द बैलेंस मंथ. दे रिक्वायर अस टू कैलकुलेट द बैलेंस मंथ. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ईयर, दे आर टॉकिंग अबाउट मंथ्स. दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट द बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स. नाउ यू विल आस्क मी हाउ टू कैलकुलेट बैलेंस नंबर ऑफ मंथ. पूछो ना बैलेंस नंबर ऑफ मंथ, हाउ यू विल कैलकुलेट द बैलेंस नंबर ऑफ मंथ. चेक, सपोज एवरीबडी फोकस, लीव योर पेन फॉर 5 मिनट्स, फोकस एंड देन यू विल राइट. बैलेंस नंबर ऑफ मंथ कैसे निकालेंगे? लेट्स से एवरी कंपनी हैज अ मैक्सिमम एज बाय विच एवरी एम्प्लॉय शुड रिटायर. नाउ एवरी कंपनी हैज देयर ओन, बट जनरल एज ऑफ रिटायरमेंट इन द होल इंडस्ट्री इज 60. यस ऑर नो? सो सपोज मैक्सिमम ईयर ऑफ रिटायरमेंट लेट्स से 60. दिस अ कंपनी स्टैंडर्ड पॉलिसी. नाउ यू विल सी द एज ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. यू विल सी एज ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. लेट्स से दिस इज 52. ठीक है, एट द टाइम ऑफ 52 बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स कितने बचे? 8. नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं एक ईयर में? टोटल बैलेंस मंथ्स चेक कीजिए, 12 8 96. दिस इज हाउ यू शुड कैलकुलेट. I hope you are getting this. Look at the general age of retirement in the company. This will always be given in the problem. What is the general age of retirement? This differs company to company. Yes or no? This differs company to company. Agar main VSmart as a company ki baat karu, to VSmart ke andar mein maximum age of retirement is 40. Kadam. They said, हमारे यहाँ सबका rule है, जितने भी VSmart faculty है सबका rule है, काम 40 तक के करना है. Rule ही है, सबका ही rule है. कि काम ही 40 तक करना है. सो 40 इज द जनरल एज ऑफ रिटायरमेंट. लेट्स से मैं छोड़ देता हूं 29 पे. अंडरस्टैंड, मैंने बोला नहीं यार जिंदगी में बहुत कमा लिया, मैं छोड़ देता हूं 29. तो 40 माइनस 29, दिस इज बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स. इसमें से काय को मल्टीप्लाई करना है? 12 एवरी ईयर, या फिर जितने मंथ्स होंगे बैलेंस आप उतने से मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ बैलेंस मिल जाएगा. ये होगा यूज यहां, जिसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे बेटा? लास्ट ड्रॉन सैलरी. आई होप यू आर गेटिंग दिस. सो कम ऑन फटाफट एक बार वीआरएस, लोअर ऑफ 3 थिंग्स. पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम, तीसरा अमाउंट हायर ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ, और लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस. आई होप यू गॉट दिस. हाउ यू वुड कैलकुलेट एक बार बता दो. मैक्सिमम ईयर्स, ये हमेशा प्रॉब्लम में दिया होगा कि कंपनी का एज रिटायरमेंट क्या है. अगर नहीं दिया तो 60 कॉमनली अज्यूम कर लेना, प्लस उसका एज दिया हुआ होगा कितना, जो भी बैलेंस बचा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, काम खत्म, आपको बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स मिल जाएंगे. देन यू कैन राइट इट आउट. एज ऑफ एम्प्लॉय जो होगा, लेट से अगर वो 36 ईयर 4 मंथ्स है, राइट, एंड 12 डेज, तो 36 ईयर 4 मंथ्स आप काउंट कर लेंगे एंड फिर बैलेंस कवर कर लेंगे. अच्छा डन.
ओके मैं थैंक यू, डन मेरे बच्चे। अच्छा एक मिनट, नहीं नहीं हाँ नहीं हाँ सर, मेरे को एक सवाल बहुत जोर से आया है, सुनो। मान लीजिए मैं एक्स कंपनी में था, एक्स कंपनी से मैं हुआ रिटायर, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, आर यू विथ मी? मैं एक्स से हुआ रिटायर, मैंने वाई ज्वाइन कर लिया, रिटायरमेंट के बाद भी क्या करता ना मैं, मैंने वाई ज्वाइन कर लिया, वाई में 10 साल रहने के बाद भी मेरे को वीआरएस मिला, मैंने वो वीआरएस भी ले लिया, क्या मैं एग्जम्पशन दो बार क्लेम कर पाऊंगा वीआरएस का, हां या हां? दो बार मिल क्यों नहीं सकता, कंपनी ने दिया हमने रख लिया, दे सके। देखिए आप ये मत बोलिए कि मिल नहीं सकता, आप ये बोलिए एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? एंड आंसर इज नो, दिस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010C इज अवेलेबल ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, क्योंकि हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं और रिटायरमेंट भी एक ही बार होता है, ऐसा इनकम टैक्स कहता है, आप समझे बात को, राइट? सो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, बहुत डीप बात कह रहा हूं, कुछ ही लोगों को समझ में आएगी, पर्सनल लिखा हुआ है सुनना बेटा, जब तक फोटो पे हार ना चढ़ जाए हार नहीं मानने का, बहुत डीप है, जिसको समझा अच्छा, नहीं समझा और भी अच्छा। तो आपको कितने भी बार क्या मिले, वीआरएस मिले, एग्जम्पशन कितने बार मिलेगा, एक, समझ में आई बात? और जब तक हार ना चढ़ जाए हार मानने का नहीं, काम करते रहने का। चलो आ जाओ लिखो सर, क्या हार रिटायरमेंट या वन टाइम, वन टाइम लिखो, दिस एग्जम्पशन इज अवेलेबल, प्लीज राइट डाउन, दिस एग्जम्पशन इज अवेलेबल वंस इन लाइफ टाइम, तो जिंदगी में एक ही बार मिलेगा, ले लेना। डन सर, चलिए एवरीबॉडी मेक योर प्रेजेंस टू नोट्स पेज नंबर 7.7, नोट्स पे आइए, पेज नंबर 7.7 पे आइए, फटाक से बुक खोलिए, ऑरेंज कलर ढूंढिए, ऑरेंज मिल जाए तो 7.7 ढूंढिए, वहां पे आपको वीआरएस मिलेगा, क्या मिलेगा, वीआरएस। लेट अस ऑल फोकस, पेन हाथ में रखिएगा, 1010C वीआरएस, कुछ कंडीशंस होती है, ये जनरल कंडीशंस मैंने आपके सामने रखी है वीआरएस ऑप्ट करने की। पहला, 10 इयर्स ऑफ सर्विस और 40 इयर्स ऑफ एज। जनरली कंपनी वीआरएस तब देती है जब सर्विस 10 साल का हो चुका हो या आपकी उम्र 40 हो चुकी हो। सेकंड, फॉर ऑल एम्प्लॉइज एक्सेप्ट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज, वीआरएस जो लाया जाता है कंपनी का वो हर एम्प्लॉय के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं सिलेक्टेड के लिए, हालांकि ये डायरेक्टर्स के लिए नहीं होता। थर्ड, ओवरऑल रिडक्शन इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जब भी कंपनी वीआरएस का कोई स्कीम लेके आए दिस शुड रिड्यूस द ओवरऑल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ऐसा नहीं कि यू नो आपने इनको हटाया दूसरे को रख लिया, इट शुड ओवरऑल रिड्यूस एटलीस्ट फॉर वंस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नॉट एबल टू फिल्ड अप नो सेम मैनेजमेंट, ये जो एम्प्लॉय कंपनी से बाहर निकाला है इसे आप कहीं दूसरे जगह पे ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब लेट्स से कंपनी थी एक्स लिमिटेड, इसी मैनेजमेंट का एक और कंपनी था वाई लिमिटेड, एक्स को आपने वीआरएस देने का ना उसको वाई में रखने का, ये चलेगा नहीं। लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट 5 लाख, अमाउंट हायर ऑफ लास्ट ऑन सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर अक्युमुलेटेड सर्विस, लास्ट ऑन सैलरी इंटू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस, टैक्सेबल। नोट्स पे आइए, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अवेलेबल ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। असेसी कैन क्लेम रिलीफ, ये जो रिलीफ अंडर 89 है ये ग्रेच्युटी में भी था, ये आगे आने पे आपको समझेगा, ये वाला पार्ट रहने दो। इज दैट डन, दिस वाज वीआरएस, लेकिन एक मिनट, आपको समझ में आया नहीं, रजिस्टर पे जाइए, लिखिए रिफर, रेफर,
पे हूं, लीव एनकैशमेंट। मैं आज नहीं आऊंगा, लीव पे हूं, ए आज नहीं आऊंगा, लीव। ऐसी आवाज मत निकाल बेटा, गलत समझेंगे लोग। ऐसा कुछ भी मत करो, लोग तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल उठा दें। सेक्शन 10-10AA, लीव एनकैशमेंट। डन। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय लीव एनकैशमेंट। आपको याद होगा तो ये वर्ड वी हैव ऑलरेडी रिफर्ड अर्लियर, से यस याद होगा। तो लीव एनकैशमेंट टोटली टैक्सेबल होता है अगर ये सर्विस के दौरान मिल जाए। व्हाट मेनी पीपल ऑफ वट एवर द बैलेंस लीव वॉज राइट, या तो इसे ड्यूरिंग द सर्विस ही ले लिया जाता है, कैश लो खत्म करो, या तो ये सारी लीव्स जितनी भी है ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक लमसम अमाउंट उठाई जाती है। ये सैलरीड एम्प्लॉयड अपने हिसाब से किसी भी तरीके को ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ को लगता है पैसा मेरे को आज ही मिल जाए यही बेहतर है, कुछ बोलते हैं मेरी लीव पेंडिंग रखो, ये सारी लीव अक्यूमुलेट होने दो, पूरा अमाउंट एक साथ बड़ा अमाउंट उठाऊंगा ताकि ये मेरे काम में आ जाए फ्यूचर में। सो टू पार्ट्स, वन इज ड्यूरिंग द सर्विस, वन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इट मे हैपन दैट द अमाउंट इज रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय। ऐसा पॉसिबल है कि एम्प्लॉय के डेथ के बाद उन्हें ये पैसा मिले, दैट इज उनके घर वालों को मिले। सो अगेन देर विल बी थ्री पार्ट्स, ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ। क्लियर है? हालांकि इसके लिए पेज आपको टेढ़ा करने की जरूरत नहीं, एक पेज में आराम से आ जाएगा। ड्यूरिंग द सर्विस इज दैट टैक्सेबल? यस, ये वाला पार्ट हम लोग अलावेंस में पढ़ के आ गए, दैट ड्यूरिंग द सर्विस इट इज रिसीव्ड, इट इज टोटली टैक्सेबल। आफ्टर द डेथ नॉट टैक्सेबल टू लीगल हेयर्स। At the time of retirement, government employee, non-government employee. During the service, on retirement, after the death. During the service, taxable. After the death, not taxable to legal heirs. At the time of retirement, government employee, बताइए क्या होना चाहिए? Fully exempt. Non-government employee, पहला actual, less, lower of, A, actual, B, maximum limit 3 lakhs, C, average salary of 10 months, D, leave credit।
Is that done? Focus. Everybody, need your focus. Leave encashment. Let's say an employee thinks, whatever is the total leave, I'll encash it once and for all at the time of retirement. If he is receiving during the service, that is totally taxable. At the time of retirement, we have to see whether he is a government employee or non-government employee. Agar ye government employee hai, fully exempt. Agar ye non-government employee hai, to lower of three things. Pehla, actual. I think dusra bhi clear hai, maximum limit not 5 lakh, 3 lakhs. Teesra, average salary of 10 months. Ab aap ye poochhenge, poochte kyun nahi? Salary ka meaning poochho na. Salary is equal to basic plus DA for retirement plus commission based on turnover. I think only DA for the purpose of gratuity salary is different. Rest at every place salary is same. Basic plus DA for retirement plus commission based on turnover. Yes or no? And that too, कितने months की चाहिए बेटा तुमको? 10 months. ये याद रखना. चौथा था leave credit. रुक. ये बड़े काम की चीज़ है. Leave credit. बेटे ध्यान से सुन. ये चौथा word एकदम नया है. कृपया कोई pen को हाथ मत लगाए. पूरा concept समझे. What is leave credit? When they say leave credit, they means leave outstanding at the credit of employee. Leave outstanding at the credit of employee. Again, when they say leave credit, they say leave outstanding at the credit of employee. जिसका मतलब कितनी लीव ऐसी थी जो उसको अलाउ थी पर उसने ली नहीं. Credit leaves. Yes or no? दो चीजें हो सकती है. It is already given. हो सकता है प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी दे दे कि हाँ इतनी लीव इसके पास बैलेंस बची हुई है. ऐसा पॉसिबल है कि प्रॉब्लम आपको खुद ही बता रहा हूं कि कितनी लीव इसके पास बैलेंस है. अगर दिया है तो आपने ले लेने का, टेक एक्चुअल, या फिर नीड टू कैलकुलेट. हो सकता है प्रॉब्लम आपको यह ना दे करके आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट दे दे कि आप कैसे लीव कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अब कैसे लीव कैलकुलेट करेंगे, कैसे लीव कैलकुलेट करेंगे, इसका एक कैलकुलेशन है, समझिएगा. और ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बदल रहा है. पहले प्रैक्टिकली समझिए और फिर लिखिएगा. पेन रोक दीजिए, पहले समझिए. हर सेक्टर में लीव के क्राइटेरियाज जो है ये अलग है. पूछिए कैसे. कैन यू आइडेंटिफाई द सेक्टर्स जहां लीव डिफरेंट होती है? आईटी, आईटी में क्या लीव डिफरेंट होती है? सैटरडेज एंड संडे. परफेक्टली कैच. आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां सैटरडे संडे ऑफ होता है. यस और नो? सो वहां पे अगर एक एम्प्लॉई है, आम एम्प्लॉई है, उसको चार छुट्टियां मिलती होगी तो इनको कितनी मिलती है? 8. दूसरा कहीं? बैंकिंग. बैंकिंग वालों को 6 छुट्टियां मिलती है. 6, सेकेंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे प्लस संडे. ठीक है, वहीं टीचिंग में देर इज नो लीव एज सच. संडे भी संडे. बाकी जनरल जितने बैंक हॉलीडेज एंड अदर है वो. हर ऑर्गेनाइजेशन में लीव के जो क्राइटेरियाज होते हैं ये अलग होते हैं. कुछ जगह पे लीव किस तरीके से दी जाती है समझिएगा. ऑर्गेनाइजेशन लेबर लॉज कहता है, लेबर लॉज कहता है, साल में अपार्ट फ्रॉम नेशनल हॉलीडे एंड पब्लिक हॉलीडे यू आर अलाउड विद द 30 लीव्स विच इज कॉल्ड एज सिक लीव. लेबर लॉज कहते हैं आप साल भर में 30 दिन की सिक लीव ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम पब्लिक हॉलीडेज एंड नेशनल हॉलीडेज. आप 30 दिन का सिक लीव ले सकते हैं. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो 30 से ज्यादा देते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो 30 से कम देते हैं. हमें किस पे कैलकुलेट करना है? लेट्स टेक 3 क्राइटेरिया. ठीक है, लेट्स से सम ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड, समझना फिर ही लिखेंगे, प्रोवाइड मोर देन 30 लीव्स. डू यू अग्री? एग्जाम्पल बता पाएंगे? आईटी,
आईटी 30 से ज्यादा लीव देता है, सिक लीव भी बोलो आप तो वो 30 से ज्यादा देता है, 30 डेज। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो डॉट 30 डेज के सिक लीव आपको परमिट करते हैं, या तो तीसरा क्या हो सकता है, लेस देन 30 डेज। ये तीन क्राइटेरिया हो सकते हैं एवरीबॉडी, हाँ या ना? ठीक है, जितने लोग लिख रहे हैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं पहले समझ लो, यू आर नॉट अ प्रिंटिंग प्रेस। अगर 30 दिन से ज्यादा की लीव होती है, 30 दिन से ज्यादा की लीव होती है, तो उस केस में टेक 30 फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन। लेट से साल भर में अगर 45 डेज लीव दी है आपको, कौन सी लीव, सिक लीव, 45 ही है, यू हैव टू टेक कैलकुलेशन 30 ओनली। भले ही 45 डेज का लीव मिला हो पर आप 30 दिन का ही लीव लेंगे, भले ही 45 डेज का लीव मिला हो आप कितने दिन का कैलकुलेशन लेंगे, 30। अगर एग्जैक्टली 30 है तब तो कोई टेंशन का काम ही नहीं, यू हैव टू टेक 30। अगर लेस देन 30 डी है तो यू हैव टू टेक एक्चुअल कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 25 डेज का लीव मिला है तो आपको टोटल 25 डेज के लीव पे कैलकुलेट करना है। अब जो भी कुछ होगा इसके हिसाब से लीव अलाउड निकालना है। लीव अलाउड कैसे निकालेंगे, लीव इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। ध्यान से सुनना, आपको लगेगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बिल्कुल नहीं है अगर आप ध्यान दें। लीव अलाउड कैसे निकालेंगे सोच के देखिए, हर साल की लीव इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, ये पूरी सर्विस के दौरान टोटल लीव थी जो आपको मिलनी चाहिए थी। किसी का 45 होगा तो कितना लोगे, 30। लेट्स से मैंने 10 साल काम किया है, 45 डेज का लीव अलाउड था हमारे सेक्टर में, तो भी लेना कितना है, 30 × 10। हमको 30 अलाउड था, 30 × 10। 25 अलाउड था, 25 × 10। ये जिंदगी भर मैंने काम किया उसमें से कितनी लीव अलाउड थी, माइनस लीव ऑलरेडी टेकन। आपको नहीं लगता ये तो टोटल लीव अलाउड निकाला आपने कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी लीव अलाउड है। लेट्स से हमारे घर पे 1 kg शुगर लाया, 500 grams वी यूज्ड इट फॉर एनीथिंग, बैलेंस कितना बचा, यही तो हमारा क्रेडिट होगा ना, राइट? ये क्या बच जाएगा, बैलेंस लीव। क्या बच जाएगा बेटा, बैलेंस लीव। ठीक है, आपका पूरा ध्यान था, मेरा ध्यान नहीं था, मैं अपने आप को वापस पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आपका था ध्यान, आपका नहीं, अबे आपका था मेरा नहीं था, मैं अपने आप को ये वापस समझा रहा हूं। क्या है, 2 दिन से मुझे इस टाइम पे सोने की आदत हो गई थी, मैं खाना खाता था और मैं सो जाता था मस्त तन के, जिंदगी की फिक्र छोड़ के मैं मस्त और रजाई के अंदर सोने का, दोपहर में पंखा मतलब मजा ही ले, और घर पे था तो मम्मी ऐसा खाना खिलाती। धंधे पे ध्यान दे, लीव एनकैशमेंट, एवरीबॉडी फोकस, लीव एनकैशमेंट। वो बेटा, अच्छा हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुमको आदत कहाँ है घर पे। एक मिनट, अरे बंद हो रे, ये बंद ही है, ठीक है उधर का भी कर दूं बेटा। इधर का भी कर दूं एसी, रेन दो रही, एक हाथ तो चालू रहने दो, कर दिया बेटा, सभी बंद कर दिया, अभी हो गया सबका, ठीक है। अब मैं मेरे धंधे पे ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। हमने सबसे पहले देखा था लीव एनकैशमेंट, मैं नीचे देख रहा हूं, फिर भी कुछ अकल के अंधे ऊपर ही देख, अबे मैं नीचे देख रहा हूं, हाँ। लीव एनकैशमेंट के 3 पार्ट, ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ, ड्यूरिंग द सर्विस, आफ्टर द डेथ एंड ड्यूरिंग द रिटायरमेंट। ड्यूरिंग द रिटायरमेंट में 2 पार्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली,
नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोअर ऑफ अबे फोर थिंग्स देख के भी घर मैं तेरे देख के अबे उतरी नहीं है तुम लोग की कल रात की लोअर ऑफ थ्री थिंग कहा से थे चाचा आप इतनी थी चार लिखिए एबीसीडी सुनो चार है बेटा चार ए बी सी और डी ऐसा चार है हाँ ए क्या है एक्चुअल बी क्या है मैक्सिमम लिमिट 3 लाख सी क्या था एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स फोर्थ क्या था लीव क्रेडिट पहले तीन तो हमने समझ लिए हम चौथे पार्ट पे हैं लीव क्रेडिट हो सकता है प्रॉब्लम ने दिया हो सकता है कैलकुलेट करना हो अगर दिया है तो टेंशन का काम नहीं है पर नहीं दिया है तो हमें यह देखना पड़ेगा उस सेक्टर में लीव कितनी मिलती है 30 दिन से ज्यादा 30 दिन से कम या 30 दिन कुछ भी हो 30 से ज्यादा या 30 टेक 30 अदरवाइज टेक एक्चुअल इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस या ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कितनी सर्विस आप कितनी लीव अवेलेबल है यह मिल जाएगी इसमें से लीव आपने जो ऑलरेडी ले ली वो माइनस कर लो कितनी लीव अलाउड उसमें से कितनी लीव ले ली क्या बन जाएगा क्रेडिट कितनी लीव अभी भी बची है कितनी लीव अभी भी बची है ये चाहिए लीव क्रेडिट ना हमें ये चाहिए ना ये लीव क्रेडिट क्या चाहिए बेटा लीव क्रेडिट समझ में आएगा अब इसका क्या करेंगे सुन बैलेंस लीव इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30 एवरेज बैलेंस लीव किसी ने बोलना मेरे को गर्मी हो रही इधर देख बैलेंस लीव इंटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30 ये जाके बनेगा लीव क्रेडिट मैं पूरा प्रोसेस वापस बता रहा हूं फोर्थ पॉइंट था लीव क्रेडिट निकालना फोर्थ पॉइंट क्या था लीव क्रेडिट निकालना लीव क्रेडिट या तो प्रॉब्लम में दिया होगा या तो कैलकुलेट करना पड़ेगा दिया है तो सीधा लीव क्रेडिट इंटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30 ये बन जाएगा लीव क्रेडिट विच विल बी द फोर्थ पॉइंट इन द टोटल कैलकुलेशन अगर नहीं तो कैलकुलेट करना है अगर कैलकुलेट करना है तो तुम्हें यह देखना है कि इंडस्ट्री छुट्टी कितने दिन की देती है छुट्टी अगर 30 दिन से ज्यादा की है तो टेक 30 है तो एक्चुअल 30 लेस देन 30 है तो एक्चुअल इनटू नंबर ऑफ इयर्स ये मिल जाएगा टोटल लाइफ टाइम में कितनी लीव अलाउड है इसमें से कितनी लीव तुमने ले ली ये बचेगा बैलेंस लीव इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30 ये बनेगा लीव क्रेडिट Which will be the fourth part in this calculation. ठीक है चलो मेरे को एक बार पूरा याद दिलाओ ड्यूरिंग द सर्विस आफ्टर द डेथ ऑन रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोअर ऑफ पहला मैक्सिमम लिमिट 3 लाख एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स लीव क्रेडिट या तो दिया है या तो कैलकुलेट करना है दिया है तो मैंने तुम्हारा सर फोड़ देना है दिया है तो लीव बैलेंस लीव इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय अगर नहीं दिया है तो चेक करेंगे उस सेक्टर में लीव कितनी है 45 हुई तो 50 हुई तो 60 हुई तो 33 हुई तो 30 हुई तो 27 हुई तो इनटू कंप्लीटेड सर्विस ये बनेगा टोटल लीव अवेलेबल माइनस लीव टेकन क्या बनेगा बैलेंस लीव इनटू डिवाइडेड बाय 30 ये क्या बनेगा लीव क्रेडिट विच इज द फोर्थ पार्ट और इन चारों में का जो लोअर रहेगा वो क्या बनेगा एग्जम्पशन एवरीबॉडी
यस चलो बनो, अभी आधी घंटा नहीं चलूंगा। यहां जो यूज हो रहा है वो तो एक मंथ का ही होगा ना? नहीं नहीं, एक ही मंथ का एवरेज होगा ना वो तो। ऊपर करना है आपको एवरेज सैलरी 10 मंथ्स का, मतलब जो भी एवरेज सैलरी इनकेगा इनटू 10 करना पड़ेगा आपको। अच्छा डन हो गया ना? सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेफर प्रॉब्लम नंबर 19 to 21 पेज नंबर 44 SPF RPF URPF PPF 5 कॉलम लगेंगे। ऐसे 5 कॉलम लगेंगे SPF RPF URPF PPF।
सर जी डन। लेट अस चेक नाउ, कैन एनीबडी ऑफ यू प्लीज टेल मी व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? ओह दैट्स सो नाइस ऑफ यू, यू मेड दिस hard word in a little simple two words. Provident fund means PF. Yeah. Sometimes I feel so satisfied with you all. I feel like throwing you out of my window. Bologe, anybody know what is PF? Ji. Kisi ko nahi pata provident fund kya hai? Ji beta. एम्प्लॉई की सैलरी से कुछ अमाउंट निकालते हैं और उसे लमसम में देते हैं। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप एम्प्लॉई का ही पैसा निकाल के एम्प्लॉई को ही दे रहे हैं, तो फिर ये टैक्सेबल क्यों होना चाहिए? मैंने मौका दिया, जिसको लगता है बोलिए ना। हाँ जी, यस, दिस इज अ परफेक्ट कंसेप्ट। कुछ एम्प्लॉई, कुछ एम्प्लॉय। अच्छा, ये कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये प्रोविडेंट फंड। अच्छा, ये कहाँ होता है, कुछ रफ आइडिया? बैंक में होता है। अच्छा, तो अब तक के जो पता चला उस हिसाब से, हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि कुछ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, कुछ एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है, और ये मिला के किसी बैंक में रखा जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, बैंक में रख रहे तो इंटरेस्ट भी आएगा। हाँ या हाँ? क्या ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा क्या? ये सोचने लायक बात, ठीक है। अच्छा, ये पैसा डाले हैं तो कभी ना कभी निकालेंगे भी, मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये पैसा बाहर आएगा। सो वी हैव टू थिंक फ्रॉम फोर पॉइंट ऑफ व्यू। एवरीबडी आर यू विद मी? हमें चार पॉइंट ऑफ व्यू सोचने। कितने मालिक? पहला, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर जो मेरे बिहाफ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है उसका क्या होगा? एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन। एवरीबडी लुक, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन, इस पे आने वाला इंटरेस्ट, इस पे आने वाला इंटरेस्ट, क्योंकि ये बैंक में रखा जाता है। और जब फाइनल अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो क्या? सो लुक एट माय हैंड्स, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट जो इसके ऊपर जनरेट हुआ, इंटरेस्ट एंड फाइनल अमाउंट। एम्प्लॉयर, these are the four sector we have to see. Now there are four types of provident fund, there are four types of provident fund. Main pehle likh to leta hu jo ab tak humne seekha. Employer's contribution, employee's contribution, then interest and फाइनल अमाउंट। ये बराबर यहां तक समझ गया? अब चार प्रकार के प्रोविडेंट फंड होते हैं। एसपीएफ, जिसे प्यार से कहा जाता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एंड लास्ट में पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पहले पूछो ना, होता क्या है? सी, इफ इट इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तब तो उसको पेंशन मिल जाएगी, से यस। अगर 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 ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तब तो इसके पेंशन मिल जाती है, काम खत्म। मैं आपको पास्ट में लेके जाता हूं, ठीक है। इमेजिन आप सभी एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब जो होती है ये तो लिमिटेड होती है, गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड होती है, हर कोई जा नहीं सकता। उसके लिए भगवान की आप पे दया होना जरूरी था, आप स्पेशल कास्ट में पैदा होना जरूरी था, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब बहुत इजीली मिल जाती थी, लेकिन हम सब बहुत लकी थे कि हम नहीं जा पाए उस जगह पे। तो अब आप लोग के लिए देखिए, मैं इसलिए भी इस चीज को गलत कहता हूं क्योंकि मेरा यूपीएससी इस चक्कर में बैलेंस रह गया। मुझे सीरियसली आज भी लगता है कि मैं कहीं का
रेवेन्यू ऑफिसर होता या तो कहीं का कलेक्टर जरूर होता, बट सिर्फ और सिर्फ कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम के कारण मैंने मेरे इस ड्रीम को छोड़ दिया। बट स्टिल मेरे ड्रीम रुके नहीं, एक बात लॉजिकल है, मेरे को आज भी मेरा ड्रीम है। मतलब एक एक दो मिनट का एक पॉइंट बताता हूँ, 5 साल बाद तुमको कहाँ रहने का है, 10 साल बाद यहाँ से कहाँ दिखता है तू अपने आप को? अमेरिका में देखता है, ठीक है बेटा। आपको क्या करना है 10 साल बाद? क्या करना है बोलो ना। अच्छा बिजनेस, यू विल बी इन बिजनेस। बोलो बेटा क्या करोगी 10 साल बाद? आप हाँ, यहां से 10 साल बाद फ्यूचर प्लान बताइए। अच्छा खुद का फर्म रखेंगे आप, एज अ सीए खुद का फर्म रखेंगे आप, ठीक है। बोल भाई क्या करेगा तू? हाँ सीए फर्म रहेगा तेरा लास्ट। हाँ जी मेरे जगह पे रहेगा, मतलब बंदा टीचिंग में आएगा, शायद डीटी पढ़ाएगा, ठीक है लास्ट में। उधर भाई तेरे को क्या करना है 10 साल में? खुद का फर्म होना चाहिए, वेरी गुड, एकदम लास्ट में। भाई उधर क्या करेगा तू? हाँ जी अच्छा खुद का फर्म होना चाहिए, ठीक है। बोलो भाई इधर से क्या करेगा मेरे भाई तू 10 साल बाद? फर्म होगा खुद का। मैक्सिमम ऑफ द पीपल, सम ऑफ द पीपल थिंक दे विल बी इन टीचिंग, सम ऑफ द पीपल थिंक दे विल बी इन बिजनेस। हर एक का एक है, मेरा भी एक है, मैं भी अपना शेयर करता हूँ। 10 साल टीचिंग में रहके लोकसभा का इलेक्शन लड़के स्पीकर टू द पार्लियामेंट एट द 55। तो ये मेरा विजन है। ऐसे एक विजन था कि बॉस मेरे को आईएएस टीचिंग में नहीं तो मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन में रहना था। मेरा पहले था एडमिनिस्ट्रेशन में 10 साल रखे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम मैं वो नहीं कर पाया। अब समझिएगा गवर्नमेंट जॉब जो होती है इनको पेंशन मिलती है जिंदगी भर। अब हुआ ये जब ओल्ड लेबर लॉज बन रहे थे, हिस्ट्री समझना, जब ओल्ड लेबर लॉज बन रहे थे और प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, 1991 की बात है, इंडिया में आया एलपीजी। एलपीजी बोले तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, अरे है ना। 1991 में सरदार जी ने बहुत मस्त काम किया। 1991 में सरदार जी ने बहुत मस्त काम किया। सरदार जी लेकर के आ गए एलपीजी। सरदार जी मालूम है कि नहीं? हाँ सरदार जी देश को बचाते हैं, सुनो। तो सरदार जी ने लेके आ गए एलपीजी। प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा था, लोगों का झुकाव प्राइवेट जॉब्स की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन प्राइवेट जॉब्स एक चीज के लिए ऑप्ट नहीं किया जाता कि फ्यूचर सिक्योरिटी रिटायरमेंट के बाद हो जाती है जीरो। आपको अगर याद होगा तो आईसीआईसीआई बैंक का आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा, न सर झुकाए कभी न झुकाएंगे कभी। यह एडवर्टीजमेंट डिनोट करता था एक प्राइवेट सेक्टर की सच्चाई को कि प्राइवेट सेक्टर में जब तक आप में जान है दम है तब तक आप रहते हो, उसके बाद आपको बाहर निकल दिया जाता है। यानी फ्यूचर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी प्राइवेट सेक्टर जॉब के अंदर में। इसीलिए लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट के सामने बोला कि एक ऐसा लॉ बनाओ जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को भी सोशल सिक्योरिटी दे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे। और इसीलिए एक नया एक्ट बनाया गया, प्रोविडेंट फंड एक्ट। कौन सा एक्ट बनाया गया? प्रोविडेंट फंड एक्ट। आई गेस आपके लॉ में ये है या था, कुछ तो है, देख लेना एक बार। तो प्रोविडेंट फंड एक्ट ने क्या कहा कि एम्प्लॉय को जो आप सैलरी देते हो इसमें से एक अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करेगा, एक अमाउंट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा और कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा एक प्रोविडेंट फंड के अंदर में। कुछ सेक्टर्स में मैंडेटरीली ईपीएफ बनाना कंपलसरी हुआ, कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिसमें ईपीएफ कंपलसरी हो गया। जिन सेक्टर्स में ईपीएफ कंपलसरी हो गया उन्हें हम कहते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। जिन सेक्टर्स में ईपीएफ एक्ट मैंडेटरी है उन सेक्टर्स को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अब कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिन्हें मैंडेशन नहीं था, इफ दे विश दे कैन डू। एम्प्लॉय को खुश करने के लिए कुछ लोग रिक्वायरमेंट नहीं भी होती तो प्रोविडेंट फंड बनाते और इस प्रोविडेंट फंड को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के सामने ले जाके रख देते। ऐसा प्रोविडेंट फंड जो एक्ट के हिसाब से तो नहीं था, मैंडेशन में नहीं था, पर लोगों ने बनाया है और कमिश्नर का अप्रूवल भी आया, इसे कहा गया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एक ऐसा प्रोविडेंट फंड जो था तो सही पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को नहीं बताया गया, उसे कहा गया अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड।
तो अगर आपसे कोई रात में उठ के पूछे कि रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज के बीच में फर्क क्या है, आपने बोल देना एक जो कमिश्नर को पता है वो, दूसरा जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को नहीं पता वो। मैं फिर से तीनों के बीच का फर्क बताता हूं। क्या हुआ था 1991 में? एलपीजी आया था, प्राइवेट सेक्टर की तरफ लोगों का झुकाव हुआ। हिस्ट्री समझनी पड़ेगी तुम्हें, तुम्हारे बर्थ से पहले क्या चालू था, लोग शिफ्ट हो रहे थे प्राइवेट में। लेकिन अब भी वो दौर था जहां प्राइवेट को इतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होने के बाद उसे पेंशन मिल जाता था, लेकिन प्राइवेट रिटायर होने के बाद कुछ नहीं मिलता था। इसीलिए लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट किया गवर्नमेंट के सामने और बोला अपने को भी कुछ मांगता है सरदार जी। उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट लाया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कुछ सेक्टर को किया मैंडेटरी, कुछ सेक्टर को किया ऑप्शनल। जिन्हें मैंडेटरी कर दिया उसे क्या कहा गया, एसपीएफ। जिसे मैंडेटरी नहीं किया गया उसे आरपीएफ या यूआरपीएफ। आरपीएफ कब? जब कमिश्नर का अप्रूवल हो। यूआरपीएफ कब? जब कमिश्नर का अप्रूवल ना हो। अब सुनिएगा, यहां तक के तो वो लोग थे जो सर्विस में थे, पर बिजनेसमैन भी उठ के खड़े हो गए। ये बात थी 1996 टू 97 की, 1996-1997। बिजनेसमैन भी सरकार के सामने जाके खड़ा हो गया और बोला क्यों, क्या धंधा करने वालों की कोई रिटायरमेंट की एज नहीं होती क्या? सोच के देखिएगा, बिजनेस करने वालों की क्या कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बराबर है, दैट बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, पर बिजनेसमैन भी तो बिजनेस से रिटायर होता है। तो हमें भी ऐसा कोई सोशल सिक्योरिटी दीजिए, हम भी अपना रिटायरमेंट लेना चाहते हैं बिजनेस से, और जो हमारी पीढ़ियां रहेगी वो बिजनेस को बढ़ाती रहेगी। इसीलिए देखिए कई बिजनेस सिंस वर्ड यूज करते हैं, सिंस 1973, मतलब बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, पर बिजनेसमैन भी तो रिटायर होगा। 1996-97 में ये रिवोल्ट शुरू हुआ और करीब करीब 1997-98 के अंदर में इसको अप्रूव कर दिया गया और बिजनेसमैन के लिए भी प्रोविडेंट फंड लाया गया, जिसे एक नया नाम दिया पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जिसे क्या नाम दिया गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जो लोग सर्विस में नहीं है पर फिर भी प्रोविडेंट फंड के मजे उठाना चाहते हैं, दे कैन ऑप्ट फॉर पीपीएफ। तो सर्विस सेक्टर जो है, जो बिजनेस सेक्टर है, इनके लिए क्या है, पीपीएफ। चलिए मैं आपको बताता हूं, आपके डैड ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो मैंडेटरी प्रोविडेंट फंड में है, बताइए इन चारों में से उन्हें क्या मिल रहा होगा, एसपीएफ। आपके डैड, आपके भैया एक इंडस्ट्री में है जिन पे मैंडेटरी पीएफ नहीं है पर कंपनी बनाती है और कमिश्नर का भी अप्रूवल है। ऐसी इंडस्ट्री में है जहां पे मैंडेटरी तो नहीं है, ना ही उनने कमिश्नर का अप्रूवल लिया पर है फंड, यूआरपीएफ। आपके डैड बिजनेस में है, प्रोफेशन में है, समझ में आई बात? अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सोच के बताना। अगर मैं बिजनेस में हूं, प्रोफेशन में हूं, तो क्या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे मिलेगा या सिर्फ मुझे ओन ही कॉन्ट्रीब्यूशन देना है? मतलब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नाम की कोई चीज नहीं होगी, ये डैश समझ में आया? क्योंकि मैं बिजनेस में हूं, लॉजिकली सोच के देख, तब तक कुछ लिखना नहीं जब तक पुराना समझ में आ जाए। मैं बिजनेस में हूं, एम्प्लॉयर से मेरे को कुछ मिलना ही नहीं है, मैं खुद अपना एम्प्लॉयर है। मैं प्रोफेशन में है, सीए सीएस एडवोकेट डॉक्टर्स लॉयर्स सब इसके अंदर में कवर हो गए, हम सिर्फ अपना ही कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, बोलो हाँ। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, एम्प्लॉयर से कुछ मिलना नहीं है, जो पर्सन अपना खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन देगा उसको 80C में डिडक्शन मिलेगा। अब ये 80C का डिडक्शन क्या है, याद कर मेरे लाल, जब तू बेसिक चैप्टर में था और मैंने तुझे बताया था ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में फर्क होता है। ग्रॉस टोटल इनकम इज इनकम ऑफ ऑल फाइव हेड, इसमें से 80C टू 80U के डिडक्शन माइनस किए तो तुझे क्या मिलेगा, टोटल इनकम। तो कुछ डिडक्शन 80C टू 80U में कवर है, दीज आर इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शंस, these are investment big deduction, जो बिजनेस में अपना खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन डालेगा, this is 80C। अब कॉन्ट्रीब्यूशन रखा, एक फंड में रखा, इस पे इंटरेस्ट जनरेट होगा, ये इंटरेस्ट को कर दिया गया exempt। क्या कर दिया गया, exempt। क्यों exempt किया गया, प्रमोट करने के लिए कि बिजनेसमैन भी रिटायर हो, प्रमोट करने के लिए कि बिजनेसमैन भी रिटायर हो। अब जब भी वो चाहे ये पैसा निकाल लेगा, फाइनल अमाउंट मिलेगी। क्या फाइनल अमाउंट टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट। फाइनल अमाउंट को भी क्या रखा गया, एग्जम्प्ट। समझ में आई बात? आते हैं एसपीएफ पे, एसपीएफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट। क्योंकि आप एक्ट के हिसाब से बना रहे हैं, आप एक्ट को ही फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए एम्प्लॉय के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं। ये इसलिए भी किया गया
क्योंकि लोगों को प्रमोट करें, इंडस्ट्री को प्रमोट करें कि आप पीएफ एक्ट में आए हैं। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट देगा उसको दिया गया डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। जो इंटरेस्ट मिला उसे क्या किया गया, एग्जाम। जो फाइनल अमाउंट मिली इसे भी क्या किया गया, एग्जाम। आई होप यू गॉट इट। एसपीएफ और पीपीएफ में क्या फर्क था देख लीजिए, सिर्फ एक में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, दूसरे में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा, बस ये एक फर्क था, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर सेम। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको 80C में डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट जो मिल रहा है ये एग्जम्प्ट होने वाला है, और फाइनल अमाउंट जो होगी ये क्या होगी, एग्जम्प्ट। अब बात आती है आरपीएफ की, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। एक मिनट, मैं ना मेरी बुक पलट रहा हूं, रेसिडेंशियल स्टेटस नाम का एक टॉपिक था उसमें ना सेक्शन 7 था, 7 अगर मेरे पास अभी बुक है तो मैं पलट रहा हूं, और नहीं है तो नोट्स तो है ही मेरे पास, मैं एटलीस्ट नोट्स पलट दूं। यू लुकिंग एट मी, और देखो मिलेगा नहीं क्योंकि इंडेक्स बनाना पड़ता है, वो चैप्टर का इंडेक्स है नहीं तेरे पास, ठीक है। तो ऐसा देख, ऐसा पलट कहीं तो मिलेगा, चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, मिल गया एटलीस्ट नोट्स में तो भी मिला हुआ। वहां पे हमने पढ़ा था सेक्शन 7 का पहला वर्ड, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी, और वहां पे ब्रैकेट में लिखा था अप टू 12% एग्जाम। मैंने कहा था सैलरी में बताऊंगा, मैंने मेरा वादा पूरा किया, अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जाम। डन, सुनिए तो, अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जाम, राइट, अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जाम है। एक मिनट सर, 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा मिला तो, लेट्स से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 15% ऑफ सैलरी दिया, कितना टैक्सेबल, 3%। यही सेम एग्जाम्पल हमने वहां लिया था, याद है। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इसको क्या मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इंटरेस्ट जो मिल रहा है एग्जाम्प्ट अप टू 9.5%। ये सेक्शन 7 का दूसरा पॉइंट था, एंड फाइनल अमाउंट जो भी मिलेगी ये पूरा का पूरा एग्जाम। एक मिनट, यहां लिखा था 12% ऑफ सैलरी, एवरीबॉडी सैलरी बोले दो, बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। हाँ, समझ में आया क्या। अब आती है बात यूआरपीएफ की, आपने किया तो है पर कमिश्नर को नहीं बताया, आपने कंट्रीब्यूट किया तो है पर कमिश्नर को नहीं बताया। लॉजिकली सोच के देख, नॉट टैक्सेबल, ध्यान से सुनना क्या है, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल At the time of contribution, पूछो ना क्यों, अरे पता ही नहीं है ऐसा कोई फंड है तो कमिश्नर टैक्स क्या करेगा, जब पता ही नहीं है ऐसा कोई फंड है कमिश्नर टैक्स क्या करेगा, आप समझ रहे हो बात को, पता होना जरूरी है, जब पता ही नहीं तो टैक्स क्या करेगा, गलत शब्द बिल्कुल नहीं है उसका, I am responsible for what I said, not what you understood. तो सुनिए, जब पता ही नहीं है ऐसा कुछ contribute है, कोई fund है, तो वो कौन taxable किसको करेगा? बिल्कुल taxable नहीं होगा। Employee's contribution, no deduction. पूछो ना क्यों? अरे
पता ही नहीं है ऐसा कोई फंड है, कंट्रीब्यूशन हुआ है, डायरेक्शन गाय का देगा, पता ही नहीं है ऐसा कोई फंड है तो डायरेक्शन किस बात का, बुझ रहा है। अब आया इंटरेस्ट, नॉट टैक्सेबल, पूछो क्यों, पता ही नहीं है ऐसा कोई फंड है उस पर कोई इंटरेस्ट है तो टैक्स क्या करेगा, कुछ नहीं। तो जब तक कमिश्नर को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई फंड है वो टैक्स क्या करेगा, कुछ भी टैक्स नहीं हो सकता। अब बनती है फाइनल अमाउंट, सुन 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 सुन, फाइनल अमाउंट में बेटा मस्ती मत कर, रुक जा। फाइनल अमाउंट में देख मेरे को चार कंपोनेंट मिलेंगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयीज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयीज कंट्रीब्यूशन। आपको नहीं लगता चार चीजें मिलेगी वापस से, जिंदगी भर कमिश्नर से छुपा छुपा के हम कंट्रीब्यूट करते रहे, जिंदगी भर कमिश्नर से छुपा छुपा के हम कंट्रीब्यूट करते रहे, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट किया, दोनों का कंट्रीब्यूशन आ गया। इस पे क्या आया, इंटरेस्ट। अरे इस पे क्या आया, इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट है इसमें से कुछ इंटरेस्ट एम्प्लॉयर का, कुछ इंटरेस्ट एम्प्लॉई का, डू यू अग्री, कुछ पोर्शन एम्प्लॉयर का, कुछ पोर्शन, यानी चार कंपोनेंट मिले, जरा सुनना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन। चलो वापस से सुनो, फाइनल अमाउंट जब भी मिलेगी ये चार मिलेगी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो मिलेगा ये होगा टैक्सेबल एज सैलरी, एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल। पूछो ना क्यों, सोच के देखिए, बचपन से आप ये करते हैं, सोच के देखिए, रुको, हाँ सुनिए, अपना मेथड थोड़ा अलग है टीचिंग का, सुनो सुनो, बचपन में पता है गुल्लक रखते थे, गुल्लक, ठीक है, हम हर महीने पैसे निकाल के गुल्लक में रखते, सुन अबे धंधे पे ध्यान दे, जब से उंगली कर रहा है चुप ना, सुन हर महीने तुम गुल्लक में निकाल के पैसे रखते, हर महीने तुम गुल्लक में पैसे रखते, समय आया ये गुल्लक तुमने फोड़ दिया, पैसे का है, हर समय आया गुल्लक तुमने फोड़ दिया और पैसे निकले, ठीक है, इतने में जिस दिन तुम्हारे को पैसे मिले उस दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला चल रहा टैक्स निकाल, आप क्या बोलोगे, आप पे बेवकूफ, मैंने ही कॉन्ट्रीब्यूट किया, आज मैंने ही ये पैसा निकाल लिया, काय का इनकम, बुझे, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हमने वापस ले लिया, ये इनकम हुई का नहीं, ये तो ऐसा हो गया इस जेब से पैसा निकाला इस जेब में डाला, इनकम, ऐसा कभी होता है क्या, मैं ही कंट्रीब्यूट कर रहा हूं जिस दिन गुल्लक तोड़े पैसे मिले इनकम, अरे काहे की इनकम, मेरा ही कंट्रीब्यूशन था आज मैंने वापस ले लिया, बुझे, यार तुमको थोड़ा डिफरेंट समझाना पड़ता है, सुनो, तो फाइनल अमाउंट में चार चीजें मिली, क्या क्या, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये टैक्सेबल होगा क्या, हाँ, एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन ये टैक्सेबल, बताओ क्यों, इट्स एन ओन कंट्रीब्यूशन, हम खुद ही पैसे रख के खुद ही पैसे निकाल रहे हैं, कोई टैक्सेबल हुआ क्या, नहीं, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल इन सैलरी, भले ही ये इंटरेस्ट है पर ये सैलरी में टैक्सेबल होगा क्योंकि ये एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के कारण आया है,
इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल इन अफसोस, आई मीन IFRS, टैक्सेबल इन अफसोस, दैट इज IFRS. क्लियर है? चलो वापस पूरे चार्ट को समझते हैं. चार तरीके के प्रोविडेंट फंड है एवरी बॉडी, चार तरीके के प्रोविडेंट फंड है, SPF, RPF, URPF, PPF. हमें चार एंगल सोचने पड़ते हैं, इंटरेस्ट, फाइनल अमाउंट. ठीक है, SPF PPF में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जम, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्शन अंडर ATC, इंटरेस्ट एग्जम, फाइनल अमाउंट एग्जम. RPF एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जम्ड अप टू 12% ऑफ सैलरी. सैलरी बोले तो बेसिक प्लस DA फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर. ठीक है, 9.5% तक के इंटरेस्ट एग्जम्ड, फाइनल अमाउंट एग्जम्ड. URPF जिस साल कॉन्ट्रीब्यूट किया नॉट टैक्सेबल. क्यों? अरे पता ही नहीं है ऐसा कोई फंड है. एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन नो डिडक्शन. क्यों? अरे पता ही नहीं है ऐसा कोई फंड है. इंटरेस्ट मिला नॉट टैक्सेबल. क्यों? अरे पता ही नहीं है ऐसा कोई फंड है. फाइनल अमाउंट जब मिलेगी तो ये टैक्सेबल होगा. पर आपके मन में एक विचित्र किंतु सत्य प्रश्नों का निर्माण उभरना चाहिए, और वो ये कि अब कैसे पता चल गया. क्योंकि आदमी जब से तुम लोग यही सोच रहे हो, टैक्सेबिलिटी का पार्ट तुमने दिमाग नहीं लगाया, तुम ये सोच रहे हो अब कैसे पता चला. इतने देर से अगर ये राज था तो दया, अब ऐसा क्या हो गया कि पता लग गया. CID वाले लैंग्वेज में दया, अगर लाश कुएं से मिली है इसका मतलब लाश गिल्ली होगी. अरे अरे वो गिल्ली ही होगी. आपने कभी CID दिखा हुआ ना? ऐसे आड़े थोड़े पांचड़ उधर ही रहते थे, ऐसे आड़े थोड़े पांचड़ उधर. दया, अगर ये लाश पेड़ से लटकी है मतलब इसे लटकाया गया है. पता लगाओ अब. दया भी चले पता लगाएंगे. अरे रुक रे भाई. That was a fantastic show यार. उसको देखने का ना इतना मजा आने का, आदमी हंसते ही रहने का. ये सुनो. अच्छा पिछले बार क्या हुआ था, मैं हम लोग है ना किसी चीज का रिकॉर्ड.
हाँ जी सॉरी, बीच में यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर के कारण हमें रुकना पड़ा था, हम सीआईडी के ऊपर थे, ठीक है। तो मैं क्या था, मैं वो भी भूल गया, मैं क्या बोल रहा था। सो आइए, हम लोग प्रोविडेंट फंड पे थे और प्रोविडेंट फंड को डिस्कस कर लेते हैं। अभी याद भी नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा था, सब सब इंस्टेंट रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्क्रिप्टेड है। तो वही आओ इधर देखो, प्रोविडेंट फंड के कितने पार्ट थे मालिक? चार, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ, पीपीएफ। कितने एंगल सोच रहे हैं? चार, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट एंड फाइनल अमाउंट। इज दैट डन? यस, सो वी कैन राइट इट आउट। लिखा है आपने? नहीं लिखा है? नहीं, अच्छा अभी तक लिखा भी नहीं ना। ओहो वेरी गुड बेटा, मुझे तुम पे 1.5 किलो प्राउड है। लिखो, इज दैट डन? हाँ, हम लोग ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि पता कैसे चलेगा वो यूआरपीएफ है या आरपीएफ है, या कमिश्नर को कैसे पता चलेगा कि अभी अमाउंट रिसीव हो चुकी है। बोलो ना कैसे पता चलेगा? सर ये पता चल सकता है एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, क्योंकि जब भी आप अमाउंट विड्रॉ करेंगे इसका रिपोर्ट इनकम टैक्स को ज़रूर जाएगा, चाहे वो आरपीएफ हो, यूआरपीएफ हो, पीपीएफ हो या एसपीएफ हो। विड्रॉल के टाइम पे जब बैंक पैसा वापस देता रहता है तो उसे इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है, हेंस उन्हें पता चल जाएगा। तो टैक्स से कोई नहीं बच पाएगा। आई एम ऑल्सो नॉट द एक्सेप्शन, मेरी भी जितनी भी इनकम है उस पर टैक्स जाता ही है। ये बात अलग है कि पिछले 2 साल से लॉस आ रहा है। नहीं सही में लॉस आ रहा है। हाँ मैं सरचार्ज कितना भरता हूँ? तुमको लगता है मेरे को सरचार्ज पे करने की नौबत आती है? उल्टा मैं 8 साल रिबेट लेता हूँ। सच्ची हर साल इतना रिबेट आता है अपने को, इस बार से 12,500 का रिबेट आएगा अपने को।
नहीं रे बाबा, क्या करेंगे? वन एट द सेम टाइम कैन ऑल्सो रेफर, अगर चाहिए तो वन कैन रेफर पेज नंबर 7.23. पेज नंबर 7.23. हैविंग सेम चार्ट. इज दैट डन? ओके. इसी के साथ हमारा पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट भी खत्म होता है. अगर आपको याद हो तो रिटायरमेंट बेनिफिट के मेजरली 5 से 6 पार्ट. पहला ग्रेच्युटी, दूसरा पेंशन, तीसरा वीआरएस, चौथा लीव एनकैशमेंट, पांचवा प्रोविडेंट फंड. ये पूरा का पूरा हम लोगों ने क्या कर दिया? कंप्लीट. प्रभु जी डन? ओके. आइए अब एक नया हेडिंग दीजिए, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16. आपको याद होगा तो हमारे पास 3 ही चीजें बची है. हमारे पास 2 ही चीजें बची थी, डिडक्शन और परक्विजिट्स. अब हम आ रहे हैं डिडक्शंस पे, सेक्शन 16. यहां से प्लीज कोई बातें मत और मस्ती मत करना, अमेंडमेंट है. ध्यान से सुनना. 16 सबसेक्शन 1, 16 सबसेक्शन 2, 16 सबसेक्शन 3, ठीक है. 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, 16(3) प्रोफेशनल टैक्स. Just understand everybody. There are 3 deductions out of salary. One is a standard deduction, another is entertainment allowance, third is professional tax. If you are done with this, understand the whole history. Puri history samajhiye, bahut maza aayega. Aapko deduction ka ek ek word samajh mein aayega. Pehla, standard deduction. This is the newest and the amendment part. 2 saal se ye part continuously amend ho raha hai. सर क्या अमेंड हो रहा है एग्जैक्टली? स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है जरा सुनिए इसकी लॉन्ग हेल्ड हिस्ट्री. अप टिल फाइनेंस एक्ट 2018 देयर वाज नो स्टैंडर्ड डिडक्शन कॉन्सेप्ट. अर्लियर कभी हुआ करता था, बाद में इसे हटा दिया गया था. फाइनेंस एक्ट 2018 तक क्या नहीं कर रहे थे? स्टैंडर्ड डिडक्शन दे ही नहीं रहे थे. 2018 में गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त काम किया. जो इस पॉइंट को समझेगा उसके परक्विजिट का एक और पॉइंट समझ आएगा. जरा ध्यान से सुनना. आर यू विथ मी? पेन वेन सब नीचे रख दो, सब पीछे हो जाओ. ध्यान से सुनना. फाइनेंस एक्ट 2018 तक, इसके पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन नाम की चीज नहीं थी. फाइनेंस एक्ट 2018 में क्या किया गया? स्टैंडर्ड डिडक्शन लाया गया. कितने का लाया गया बेटा? 40,000. 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके आए. जैसे सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन था ठीक उसी तरीके से, सॉरी एचपी में स्टैंडर्ड डिडक्शन था ठीक उसी तरीके से सैलरी में भी दे हैव ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंटिंग टू एक्चुअल सैलरी और 40,000 विच एवर इज लोअर. सो द मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल वॉज 40,000. यस ऑर नो? बट एट द सेम टाइम जब इन्होंने 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लाया तो इन्होंने 2 चीजें टैक्स जो एग्जाम थी वो हटा दी. पहला था ट्रांसपोर्ट अलावेंस. जरा ध्यान से सुनना. ट्रांसपोर्ट अलावेंस पहले क्या हुआ करता था? 1600 रुपए पर मंथ एग्जम्प्ट था और हैंडीकैप वालों के लिए 3200 रुपए पर मंथ एग्जम्प्ट था. कुछ याद आया? उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2018 में ये 1600 रुपए को कट कर दिया, ये 3200 कायम रखा और बोला इसके जगह हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे. मतलब लोगों से ट्रांसपोर्ट अलावेंस टैक्सेबल कर दिया, एग्जम्पशन छीन लिया और बोला हम तुम्हें अब स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे. एट द सेम टाइम परक्विजिट में भी एक और काम किया. एक परक्विजिट था मेडिकल रीइंबर्समेंट.
एक परक्विजिट हुआ करता था मेडिकल रिइंबर्समेंट, और वहां 15,000 रुपए पर एनम तक का रिइंबर्समेंट फ्री था। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 15,000 रुपए तक अगर मेडिकल रिइंबर्समेंट देता है तो वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं। इसे भी उन्होंने निकाल दिया। मतलब इन्होंने दो चीजें निकाली और उसके बदले में दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या दो चीजें निकाली बताओ? पहला ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो 1600 रुपए पर मंथ का एग्जम्पशन था, मतलब 19,200 रुपए साल का, वो हटा दिया। और एक परक्विजिट मेडिकल बेनिफिट, बेटा कैलकुलेटर में कुछ नहीं है, इधर ध्यान दे। और एक परक्विजिट था मेडिकल बेनिफिट 15,000 रुपए पर एनम, वो भी निकाल दिया। और इसके बदले 40,000 रुपए सबको देना शुरू किया। बात थी पॉलिटिक्स की। तो जैसे ही ये दो निकाला और 40,000 दिया, कांग्रेस गवर्नमेंट दी अपोजिशन पार्टी, उन्होंने इसको एक हैवॉक बना के, मजाक बना के दिखाया। कैसा मजाक बनाया? उन्होंने बोला देखिए आपके अच्छे दिन कितने जबरदस्त है, आपको बेनिफिट कितने का दिया 40, और आपसे कितने का बेनिफिट ले लिया 34,200, इतने का बेनिफिट आपसे ले लिया और आपको 40,000 का बेनिफिट दिया, नेट बेनिफिट आपको कितने का हुआ सिर्फ 5,800। ये है आपके अच्छे दिन, कि सिर्फ 5,800 रुपए का बेनिफिट दिया और सरचार्ज बढ़ा दिया। क्या अच्छे दिन लाए हैं, वाह। वहां से दीदी चिल्लाने लगी, ए चल बेन्ना। उधर से मफलर वाले बाबा चिल्लाने लग गए, ये गलत है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये महाराष्ट्र से भी, हे काय मजाक लावलाय, असा चालणार नाही सांगून देव। तो सब लोग इसका मजाक उड़ाने लग गए। हालांकि हम तो वो हैं जो प्रोफेशनल, जो ना इस पक्ष के होते ना उस पक्ष के, हमारा ऑब्जेक्टिव है सही तरीके से सोचना कि ये जो अमेंडमेंट लाया है क्या ये सच में बेनिफिट है या ये पॉलिटिक्स के कारण लोगों को गलत बताया जा रहा है। क्योंकि एज अ फाइनेंस एक्सपर्ट हम लोगों को ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या ये जो अमेंडमेंट लाया क्या सच में ये ऐसा है जैसा हमें बताया जा रहा है कि दो एग्जम्पशन छीन लिया और एक दिया। मैं एक्चुअली इस बात को क्रिटिक करता हूं कि गलत, यहां जो कांग्रेस ने कहा ये पूरा गलत है। पूछो क्यों? स्टॉप, पहले सोच के देखिए। पहला था ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हर एम्प्लॉय को नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखिए, आप में से कितने लोगों के डैड जॉब पे है, क्या इन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है? नहीं। एजुकेशन इंडस्ट्री में हमको नहीं मिलता ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पर सैलरी तो मिल रही है और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। अब होता क्या था, जिसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता ही नहीं था उसके लिए 1600 के एग्जम्पशन का कोई वैल्यू ही नहीं था। क्योंकि जब उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस ही नहीं मिल रहा है तो उसको एग्जम्पशन लेके करना क्या है? यह था सिर्फ क्लासेस ऑफ पीपल के लिए, नॉट मासेस ऑफ पीपल के लिए। दूसरा था मेडिकल रिइंबर्समेंट। हर सेक्टर में मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बुखार हो जाए, देर विल बी नो मेडिकल रिइंबर्समेंट फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी। हर सेक्टर में मेडिकल रिइंबर्समेंट भी नहीं होता। तो मतलब ये भी अगेन किसके लिए था? क्लासेस, मासेस के लिए नहीं। उन्होंने ये दो क्लासेस वाले एग्जम्पशन हटाए और मासेस को दे दिया बेनिफिट, क्लासेस को हटा के मासेस को। अब अगर कोई, लेट से एक चपरासी भी है जो काम कर रहा है, क्या उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? हाँ, भले ही उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल रिइंबर्समेंट ना भी मिलता हो तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो जो कहा जा रहा था कि आपसे 35,200 ले लिया और आपको 40 दिया, आपका नेट बेनिफिट तो 5,800 ही है, ये एक हेट्रेड पॉलिटिक्स थी जो फैलाई गई। बट एज अ प्रोफेशनल यू शुड अंडरस्टैंड कि बॉस ये हर एक को नहीं मिलता था। उन्होंने जो बोला था वो उन्होंने करके दिखाया, क्लासेस से लिया और मासेस को दिया। अब कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी एम्प्लॉय हो जिसकी सैलरी टैक्सेबल हो रही थी, उसको ये दो मिले या ना मिले, पर स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक को मिल रहा था। सोचिए सबसे बड़ा फायदा किसका, जो 3-3 लाख 4-4 लाख के पैकेज पे था,
जो 3-3 लाख 4-4 लाख के पैकेज पे था, मान ले उसका सैलरी इनकम 4 लाख रुपए, सपोज कर 4 लाख रुपए के अंदर में वो 4 लाख में से 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेता था, उसकी इनकम बचती थी 360 उसकी इनकम बचती थी। मान ले कोई LIC वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 का भी, उसकी इनकम आ जाती थी 350 के ऊपर उसको रिबेट मिल जाता था, मतलब उसका पूरा टैक्स क्या हो जाता था, जीरो। यानी एक आम आदमी की पूरी बात सोची गई थी और लॉजिकली सोची गई थी, पर हेट्रेड पॉलिटिक्स के चक्कर में वो चली गई। बट यहां पे जो अभी गवर्नमेंट आके खड़ी हो, किसी की सुनती तो है नहीं, वो तुमको जो बोलना बोल, क्योंकि उनको पता है अपोजिशन बड़ा स्ट्रांग है, तो ये तो वो श्योर थे कि वही आने वाले हैं, अपोजिशन इतना स्ट्रांग था, बराबर। तो अपोजिशन इतना स्ट्रांग होने के कारण अब इन्होंने क्या किया, इस साल फाइनेंस एक्ट 2019, जिस चीज के ऊपर इन लोगों का मजाक उड़ाया गया, इन्होंने बोला अच्छा तुम मजाक उड़ा रहे क्या, चल 40 की जगह 50 उड़ाओ। उन्होंने अब इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 की जगह कितना कर दिया, 50। जैसे मैं आपको छोटी, मतलब मुझे पर्टिकुलरली वर्किंग स्टाइल बड़ा पसंद आया, थोड़ा सा रिबेलियस टाइप का है, तुम जिस चीज पर मजाक उड़ाओगे मैं उसी चीज को और तगड़ा कर दूंगा। तुमने हमें बोला चौकीदार चोर है, अब की बार चौकीदार ले, तुम जिधर तुमने रिबेल मारा मैं उसी रिबेल को पकड़ के गेम कर दूंगा, एंड ट्विटर का नाम चेंज। ठीक उसी तरीके से तुमने 40,000 का मजाक उड़ाया, 40 की जगह कितना, 50, गेम ही खत्म। आगे बोलो, हाँ हमने किया 5,800। और इसके ऊपर स्पीच देते हुए श्री अरुण जेटली साहब ने कहा था, वर्ड सुनिएगा बड़ा मजा आएगा, और ये एक्चुअली एक टॉन्ट था जो कांग्रेस के लिए मारा गया था, स्पेशली कांग्रेस प्रेसिडेंट, द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है, उनके लिए माना गया था। आई फील वेरी सॉरी अबाउट फ्यू पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड इनकम टैक्स आए। उन्होंने बहुत सीधे शब्दों में एक ही बात कही, मुझे उन लोग के लिए बड़ा बुरा लगता है जिनको इनकम टैक्स का आय भी नहीं समझता, और वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ 5,800 का बेनिफिट है। उन्होंने कहा सपोज इफ ये 5,800 का भी बेनिफिट है तो ये एडिशनल बेनिफिट है, नुकसान नहीं है, राइट। और इसी को कहते हुए एक और लाइन कही गई थी, काना मामा न मामा होने से काना मामा चोखा, जिसका मतलब ये था कि मामा नहीं होने से काना रहा तो भी ठीक है, एटलीस्ट कन्यादान में तो हेल्प करेगा, कि बेनिफिट ना होने से एटलीस्ट 5,800 का क्यों ना सही, कुछ तो बेनिफिट हमने दिया, तुमने क्या किया था ये बताओ। फिर उन्होंने इसके ऊपर जैसी चिल्लाया 40,000 ही है, इनने बढ़ा के कितना कर दिया, 50, और चिल्ला, लोगों को पता चलना चाहिए बेनिफिट दिया है 50, और चिल्ला, यस और नो, राइट। सो अमेंडमेंट समझाएंगे क्या हुआ है, पिछले साल तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना था, इस साल से कितना कर दिया, अमेंडमेंट समझ में आया, उसके पीछे का पॉलिटिक्स समझा, क्यों किया ऐसा, ये उसका लॉजिक था। तो अब स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या मैं कह सकता हूं, अवेलेबल टू ऑल एम्प्लॉय, आई होप यू गॉट दिस, कितना, लोअर ऑफ पॉइंट नंबर ए सैलरी, पॉइंट नंबर बी रुपीज 50,000 फाइनेंस एक्ट 2019, लिख लो अब, बुझे, ये किया बदलाव। और मैं कहता हूं ये एटीट्यूड सही में बहुत मस्त है, ये एटीट्यूड जो है ना, किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया तो उसी को यू नो थ्रोबैक देना, ये बहुत जबरदस्त चीज है।
आई होप यू गॉट दिस। आप शायद अभी भी नहीं समझे, अगर मैं एक आम टैक्स टीचर होता तो मैं आपको कह देता ये डिडक्शन है, पर प्रॉब्लम ये है ना, आई एम नॉट अ मैंगो पर्सन। सुनो, इसका इफेक्ट समझिए कहां कहां होगा। इसका इफेक्ट होगा, पहला चैप्टर सैलरी, दूसरा एक और चैप्टर है, चैप्टर होगा सेट ऑफ। सेट ऑफ में अगर आपको सैलरी दी है तो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है, जब तक सैलरी के आगे या हाउस प्रॉपर्टी आगे वर्ड ब्रैकेट में कंप्यूटेड ना आ जाए, आपको हर बार उनमें से पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है और फिर ही लेना है। अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो रेसिडेंशियल स्टेटस जब हम कर रहे थे, हमने हर जगह ब्रैकेट में क्या लिखा था, कंप्यूटेड। आज शायद आपको वो समझ में आए कि हम कंप्यूटेड क्यों लिखते थे। हम कंप्यूटेड इसलिए लिखते थे क्योंकि अगर सिर्फ सैलरी लिखा है उसमें से पहली ड्यूटी आपकी बनती है कि क्या माइनस करे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और अगर ऐसा नहीं किया तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो यहां जो अमेंडमेंट हुआ, इसका इफेक्ट सिर्फ यही नहीं है, इसका इफेक्ट पता है कहां कहां है। पहला इसका इफेक्ट है टीडीएस में, पूछो कैसे। अब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सैलरी देता रहेगा, जब वो टैक्स काटेगा 50,000 माइनस करके काटेगा। ये है पहला चीज। दूसरी चीज सेट ऑफ जब होगा, अगर सैलरी लिखा है तो 40,000 के जगह आप कितना, 50,000 माइनस करके वो क्या करेगा, सेट ऑफ करेगा। ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का चैप्टर में भी अफेक्ट करेगा। जब आप अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करते रहेंगे, सैलरी जब लेंगे वो 50,000 डिडक्शन माइनस करने के बाद, और अगर आपको प्रॉब्लम टोटल टैक्सेबल सैलरी निकालने का कहा गया है, तो ग्रॉस सैलरी में से प्रॉब्लम में बुलाओ या नहीं बुलाओ, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा और फिर ही आपका टैक्सेबल सैलरी निकलेगा। यानी ये जो अमेंडमेंट हुआ ये एक चैप्टर में नहीं है, 4 से 5 चैप्टर को इफेक्ट करेगा। सो मैं आपको लिखवा देता हूं और जब जब चैप्टर आएगा मैं आपको बताऊंगा। दिस विल अफेक्ट फॉलोइंग चैप्टर्स। पहला बोलो कौन से चैप्टर को अफेक्ट करेगा, सैलरी। दूसरा टीडीएस। तीसरा सेट ऑफ। चौथा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ये आपको हर जगह अफेक्ट करेगा। Is that done? Okay. दूसरा था एंटरटेनमेंट अलाउंस। दूसरा डिडक्शन क्या था बेटा, एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब आप ये पूछेंगे कि सर एक तरफ तो आप कह रहे थे एंटरटेनमेंट अलाउंस टोटली टैक्सेबल, अब आप कह रहे हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड एज डिडक्शन, कराए का इसे टैक्सेबल करना है या डिडक्शन लेना है। सुनिए, एंटरटेनमेंट अलाउंस, फर्स्ट इट इज एडेड इन ग्रॉस सैलरी, जब भी आपको मिले ये सबसे पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड कर दे क्योंकि ये टैक्सेबल है। इसके बाद चेक करें वो कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नो डिडक्शन अवेलेबल। कुछ याद आ रहा हो तो मैंने आपको एंटरटेनमेंट पढ़ाते वक्त भी बताया था, क्या आपने कभी सिटी कलेक्टर को डीएसपी को बाहर घूमते देखा है, ये जनरली किसको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होगा अगर इसे एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है ये टैक्सेबल होगा, डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। ये सैलरी में तो ऐड होगा पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो लोअर ऑफ ए एक्चुअल, बी रुपीज 5,000,
सी 20% ऑफ बेसिक सैलरी, इतना डिडक्शन मिलेगा। यहां पे लोअर ऑफ लिखा है, तीनों में से लोअर, सो चेक कीजिएगा। जब भी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिले पहले इसे सैलरी में ऐड कर दे, ग्रॉस सैलरी में। जब ग्रॉस सैलरी से आप डिडक्शन माइनस करते रहेंगे, चेक कीजिएगा ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नहीं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ही डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो भी लोअर ऑफ थ्री थिंग्स, पहला एक्चुअल, दूसरा 5000 पर एनम, वह पर एनम ही है, पर मंथ नहीं है, पर एनम, और तीसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी। Everybody, yes or no? दो डिडक्शन समझ में आए, 16-1, 16-2। आई हैव अ डाउट, आई हैव अ डाउट सर, मान लीजिए मुझे सिर्फ पेंशन मिलती है अनकम्यूटेड वाली, अनकम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल टू ऑल, मुझे सिर्फ अनकम्यूटेड पेंशन मिलती है और कुछ नहीं मिलता है, क्या तब भी मुझे 16-1 का डिडक्शन मिलेगा? मान लीजिए 10,000 पर मंथ मुझे गवर्नमेंट से पेंशन आता है, टोटल हुआ 120,000, क्या अब भी मुझे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? हाँ या हाँ? बिल्कुल मिलेगा, याद होगा तो सैलरी इंक्लूड्स ऑल, बेसिक इंक्लूड, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो अगर मुझे सिर्फ पेंशन भी मिल रहा है, तो भी मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। याद रखना, सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रॉब्लम में बोला हो या नहीं बोला हो, करने का, जब भी टैक्सेबल सैलरी निकालने बोला तब, ग्रॉस सैलरी बोला है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा आते हैं प्रोफेशनल टैक्स, अगेन आपको जाना पड़ेगा इसके लिए मेरे साथ पॉलिटिकल हिस्ट्री में, ठीक है। आई थिंक अपना ही एक लेक्चर ऐसा है जहां पे आपको पॉलिटिक्स के साथ समझाया जाता है कि अमेंडमेंट क्यों किया गया, जरा समझिए, बड़ी लंबी कहानी है, दूर जाना पड़ेगा काफी। यह हिंसा तब भड़की थी जब पर प्रांतीय लोग आपकी जगह पे आ गए। मैं इसे थोड़ा इजी कर देता हूं, प्रॉब्लम तब हो रहा था जब शहरी विकास, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और गांव से लोग आ रहे थे। अभी कुछ सालों पहले मराठी आरक्षण की बहुत ज्यादा भड़काव हो गया था, स्पेशली महाराष्ट्र में। क्या प्रॉब्लम थी इन्हें? प्रॉब्लम यह थी कि कुछ स्टेट, स्पेसिफिकली कुछ स्टेट से लोग उठ करके आ जा रहे थे महाराष्ट्र में, राइट, जिनमें से प्रीडोमिनेंटली यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, यहां से लोग उठ करके महाराष्ट्र आ जा रहे थे, राइट, गुजरात जा रहे थे, नीचे कर्नाटका, केरला जा रहे थे। महाराष्ट्र में इसकी सबसे ज्यादा आंख भड़की हुई थी, उसके कुछ रीजंस थे। अब ये शुरू हो गया था जब बाला साहेब ठाकरे हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी मुहिम छेड़ी थी। प्रॉब्लम क्या हो रहा था, वहां के लोग उठ करके मुंबई में शिफ्ट हो जा रहे थे, जिसके लिए गाना भी बना था, लाख लाख लोग आके बस जाते हैं, हर रोज यहां पे लाखों लोग आते हैं और यहीं बस जाते हैं। उसका रीजन भी था, मुंबई इज अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, यहां अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा थी, लाइफ बहुत स्पीड थी, यस और नो? तो बहुत सारे लोग, अच्छा प्रॉब्लम यह था, यूपी बिहार बहुत अच्छी जगह है, बट वहां पे जैसा कि हम लोग देखते हैं कि गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी, राइट, कई मूवीज भी बनी है इसके ऊपर। अब प्रॉब्लम क्या होता था, बिजनेसमैन वहां पे ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात, महाराष्ट्र में कई टैक्स बेनिफिट्स थे जो यूपी बिहार में नहीं थे, तो वहां के लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए महाराष्ट्र में आ रहे थे, जिसको महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि जो यहाँ का प्रॉपर महाराष्ट्रियन पर्सन है उसको एम्प्लॉयमेंट जन प्रॉब्लम्स उतनी ज्यादा आती थी, क्योंकि लोग अगर ज्यादा थे और यहां वाला व्यक्ति काम करने को रेडी नहीं, तो वो किसी को भी लगा देते थे। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो लोग थे वो ज्यादा चार्ज मांगते थे, और वो लोग काम की तलाश में आते थे तो जो मिल रहा था वो एक्सेप्ट कर लेते थे, ऑब्वियसली बात है, कोई भी करेगा। यहां आग भड़की और जिसके कारण
लोग बोलने लग गए कि भैया हमारे रिसोर्स खत्म हो रहे हैं। एट द सेम टाइम एक और आंख भड़काई गई कि भैया महाराष्ट्र का जितना भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्स, ये खत्म हो रहा है और वहां का इंटैक्ट पड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां का पानी यूज हो रहा है, यहां के नेचुरल रिसोर्स यूज हो रहे हैं, वहां का वैसे ही पड़ा है। तो यहां से ये पूरी प्रोसेस चालू हुई। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि देखिए, यहां कितना भी आप स्टेट में चिल्ला रहे हैं, लेट्स गो टू मोर डीप इनटू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम सभी को एक फंडामेंटल राइट देता है कि हम फ्रीली रोम कर सकते हैं किधर भी इंडियन स्टेट्स में, एट द सेम टाइम हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो नो स्टेट कैन बी मोर, नो स्टेट हैज अ मोर पावर देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन्हें आप बोल नहीं सकते थे, कोई स्टेट का मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर भी इन्हें रोक नहीं सकता था आने से। क्यों नहीं रोक सकता था? क्योंकि उसके ऊपर बैठा है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कोई भी किधर से भी जा सकता है और कुछ भी काम कर सकता है। इसी के लिए आपके साथ ऐसा नहीं है नॉर्थ कोरिया जैसा कि जहां वो बोलेगा वही आपको करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कोर्स सिलेक्ट करके आए हैं, तकलीफ कितनी भी हो मर्जी से आए हैं, तो आप कभी ब्लेम दूसरों पर नहीं डाल सकते। ICAI ने ऐसा किया, हाँ तुम्हारी मर्जी से आयो, ये राइट तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, तुम किधर भी फिर सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता कि आप चिल्ड्रंस डे मत मनाओ, ये डे मत मनाओ, वो डे मत मनाओ। आपको कोई रोका नहीं जा सकता। अब प्रॉब्लम यहां से भड़कना शुरू हुई। पर हां, स्टेट गवर्नमेंट के पास एक राइट था और वो राइट यूज किया गया, और वो राइट था प्रोफेशनल टैक्स का। प्रोफेशनल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हर स्टेट को दिया है। अगर एक स्टेट में दूसरे स्टेट के लोग आकर के रहते हैं, एक स्टेट में दूसरे स्टेट के लोग आकर के अपना प्रोफेशन एक्सरसाइज करते हैं, तो इसके लिए उनके ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स, कि आप यहां आके बिजनेस कर रहे हैं, यहां आके बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, यहां आके अपना प्रोफेशन ऑपरेट कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट आपसे एक टैक्स लेगा और इस टैक्स को यहां के जो लोकल रेसिडेंट है उनके लिए यूज किया जाएगा। और इसलिए इस आग को फिर से भड़काया गया, इस आग को फिर से भड़काया गया और वो मराठी मुख मोर्चा नाम से एक रैली चालू की गई कि बॉस कोई भी आए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमें आरक्षण दो। अब हर एक की अपने, देखिए एज अ सीए हमारा कोई कास्ट तो है नहीं, एज अ सीए हमारा एक ही कास्ट है, ICAI। अपन सबका कास्ट क्या है? ICAI, अपना कोई और कास्ट नहीं है, ठीक है। बट कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये हो, और कुछ लोग चाहते हैं कि जो डिजर्व करता है उसको मिले। ये सुनो, 70 साल में अब तक नहीं हुआ, अब क्या करना है? 70 साल में आपने इतने राइट्स दिए, उसका क्या होगा? फिर कुछ लोग बोलते हैं 70 सालों में नहीं हो पाया, हम आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, अपन ने सिर्फ इतना ध्यान देना है कि प्रोफेशनल टैक्स आया कहां से। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने और कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाना शुरू किया, प्रोफेशनल टैक्स, क्योंकि ये तीन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरियाज है बहुत ज्यादा। अगर आप देखें गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इनफैक्ट केरला भी, ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरियाज है। जैसे अगर कर्नाटका एंड केरला में देखा जाए तो बहुत ज्यादा लेबर्स यूज होते हैं टी एंड कॉफी के लिए। महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज ही बहुत ज्यादा है, MIDCC इतनी सारी है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होता है इसके लिए। एट द सेम टाइम गुजरात के अंदर में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है इसके लिए। तो यहाँ पे इन तीनों ने एक प्रोफेशनल टैक्स लगाना शुरू किया। प्रोफेशनल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को राइट देता है टैक्स करने का, अगर कहीं और के लोग आकर के यहाँ पे क्या करते थे, अगर रेवेन्यू कमाते थे। बट इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी बताता हूँ आपको क्या। अब गवर्नमेंट के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया टू आइडेंटिफाई कौन इस स्टेट का है और कौन इस स्टेट का नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उठा करके हर एक पे लगा दिया। इनफैक्ट जो यहां पे पैदा और बड़ा भी हुआ है उसको भी देना है। फॉर एग्जाम्पल मी, मेरे फॉरफादर्स आए राजस्थान से, ठीक है, मैं पैदा हुआ यहीं पर, तो मेरे को प्रोफेशनल टैक्स लगना चाहिए क्या? नहीं, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र, तो मुझे ये लगना नहीं चाहिए था। बट स्टिल आई हैव टू पे, बिकॉज कोई भी अगर महाराष्ट्र में रह रहा है या ऑपरेट कर रहा है तो उसे एक टैक्स देना जरूरी है, प्रोफेशनल टैक्स। अब इस प्रोफेशनल टैक्स की मैक्सिमम लिमिट रखी गई है 2,500 रुपए साल भर का। साल भर का कितना? 2,500। सुनते वक्त लगेगा क्या है,
2500 ये कोई टैक्स हुआ क्या? 2500 से क्या होता है, आप मल्टीप्लाई कीजिए 2500 से इंटू 2 करोड़ जस्ट फ्रॉम मुंबई। अब रेवेन्यू का आउटपुट सोचिए, 2 करोड़ इंटू 2500 जस्ट फ्रॉम मुंबई, आप समझे? और ऐसा पूरे महाराष्ट्र से सोच के देखिएगा, ऐसा पूरे महाराष्ट्र से सोच के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये रेवेन्यू का मल्टीप्लिकेशन कितना है। कैलकुलेटर आपका ई शो करेगा, समझ में आई बात? ऐसे हर जगह से उन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया। ये मैक्सिमम है कितना बेटा? 2500। स्टॉप, अभी खत्म नहीं हुआ हिस्ट्री और बाकी सुन। अब ये हुआ कि इनकम टैक्स अगर 2500 लिख देता तो ये गलत हो जाता। पूछो क्यों? 2500 तो महाराष्ट्र का है, गुजरात का अलग है, कर्नाटका का अलग है, और फ्यूचर में चल के कोई भी स्टेट कुछ भी लगा सकता है। बट इंडियन इनकम टैक्स जो है ये तो सेंट्रल एक्ट है, पूरे इंडिया को एप्लीकेबल है। कल चल के अगर किसी और स्टेट ने लगाया तो, इसीलिए इनकम टैक्स ने कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं लिखी। स्टेट ने जो भी मैक्सिमम लिमिट रखी, इनकम टैक्स ने यही बोल दिया प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअल अमाउंट पेड इज इक्वल टू डिडक्शन। सो इफ यू पे 2000 यू टेक 2000 एज डिडक्शन, इफ यू पे 10,000 यू टेक 10,000 एज डिडक्शन। हमने कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं रखी, व्हाई? बिकॉज इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल एक्ट होने के कारण ये एप्लीकेबल टू ऑल है। कल चल के अगर कोई और स्टेट के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, उसने अपना 3,000 रुपए रखा प्रोफेशनल टैक्स, तो इनकम टैक्स को फिर से अमेंड करने की जरूरत पड़ती हर स्टेट के चक्कर में। इसीलिए इनकम टैक्स ने अनबायस्ड होते हुए सीधा सीधा रख दिया, वट एवर यू द अमाउंट इज पेड इज इक्वल टू डिडक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ प्रोफेशनल टैक्स। मुझे नहीं समझा, वापस समझाइए क्या हो रहा था। दूसरे स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में आ रहे थे, जिसके कारण यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट ने कौन सा टैक्स लगाना शुरू किया? प्रोफेशनल टैक्स। एज ऑफ नाउ कितने स्टेट लगा रहे हैं? 3, लेकिन तीनों के रेट अलग। लेकिन इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल एक्ट, इसीलिए इन्होंने कोई रेट दिया है क्या मैक्सिमम? नहीं, इन्होंने बोला एक्चुअल अमाउंट पेड इज इक्वल टू अलाउड एज डिडक्शन। क्या मैं कह सकता हूं अक्रूअल बेसिस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा? आई होप आपको ये बात भी समझी, अक्रूअल बेसिस पर डिडक्शन मिलने वाला, एक्चुअल पेड इज इक्वल टू डिडक्शन। वर्क्स लाइक म्युनिसिपल टैक्स, जितना पे करोगे उतना डिडक्शन। सो प्लीज राइट डाउन, प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअल अमाउंट पेड इज इक्वल टू डिडक्शन। आपने जितना पे किया उतना डिडक्शन लेके जाइए। Is that done? Okay, so let's understand the whole deduction. Everybody, deduction is equal to 3 parts. Pehla, standard deduction, entertainment allowance, professional tax. 3 tarah ke deduction salary mein se milenge. Pehla, standard deduction. Milega? Haan. Kitta? 40 or 50? 50. Is saal se. Problem mein diya ho ya na diya ho. Dusra, entertainment allowance. Available only to गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तीसरा प्रोफेशनल टैक्स, वट एवर इज द अमाउंट पेड इज अलाउड एज डिडक्शन। पेज नंबर 22 पे आइए। अगेन रिसोर्सेस के लिए यूज किया जाता है, यहां पे रोड डैम ब्रिज सब बनाने में, हालांकि जो नुकसान हो रहा है वो हो ही रहा है। मतलब जो देश इस एरिया में आके जो नुकसान हो रहा है वो हो ही रहा है, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। प्रोफेशनल टैक्स कलेक्ट होता है, प्लस उसे रोड डैम ब्रिज कनाल बनाने के लिए यूज कर लिया जाता है, बट यहाँ के जो रिसोर्स हो रहे वो ही रहे यूज। सर इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन मिल रहा है, सरकार प्रोफेशनल टैक्स तो कलेक्ट कर ले रही है ना, आप समझ रहे? प्रोफेशनल टैक्स वो पूरा का पूरा कलेक्ट कर ले रही है। दूसरी बात, प्रोफेशनल टैक्स जितना भी वो कलेक्ट कर रहे हैं ये उनके लिए एक एडिशनल रिसोर्स बन जा रहा है। प्रोफेशनल टैक्स आपसे आज ही ले ले रहे हैं,
आप एक बात समझो, प्रोफेशनल टैक्स आपसे एम्प्लॉयमेंट के दौरान नहीं ले रहे हैं, इनकम टैक्स का बेनिफिट आपको एक साल बाद मिलेगा। तो आप सोचिए, अगर रेवेन्यू 5,000 करोड़ हुआ, 5,000 करोड़ के ऊपर अगर 10% से भी इंटरेस्ट पकड़े तो उनका रेवेन्यू पूरा निकल गया। मैं सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूं, आप समझ रहे हैं बात को। पेज नंबर 7.22 पे आइए, चेक कीजिए। डिडक्शन तीन तरह की है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन लाल कलर के पेन से लिखा है, मतलब वो क्या है बेटा, लोअर ऑफ 50,000 और सैलरी, फॉर सैलरी एंड पेंशन, नॉट फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन कहा जाता है, अदर सोर्सेस। एंटरटेनमेंट अलाउंस, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट अवेलेबल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोअर ऑफ 3 थिंग, एक्चुअल 20% ऑफ बेसिक, 5,000 पर एनम। फर्स्ट एड द एंटरटेनमेंट अलाउंस इन ग्रॉस सैलरी एंड देन टेक द डिडक्शन। डिडक्शन शैल बी इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड, वेदर फॉर ऑफिस और फॉर पर्सनल पर्पस। आपने एंटरटेनमेंट अलाउंस लिया, उसका डिडक्शन मिलेगा, खर्चा नहीं खर्चा, उससे कोई लेन देन नहीं। प्रोफेशनल टैक्स मीन्स अ टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, ऑन ट्रेड, लेविड बाय अ स्टेट अंडर आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ याद आया मैं क्या बोल रहा था, इसीलिए आपको इसकी हिस्ट्री बताना जरूरी होता है, बिकॉज इस पे एमसीक्यू बन सकता है, दैट प्रोफेशनल टैक्स इज लेविड एज पर आर्टिकल 276 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिडक्शन कितना मिलेगा, एक्चुअल अमाउंट पेड इज इक्वल टू अलाउड एज डिडक्शन। इफ एम्प्लॉयर हैज पेड द अमाउंट, देन फर्स्ट एड इन सैलरी एंड देन टेक द डिडक्शन। क्लियर है मालिक? दैट्स इट। एक मिनट, ऐसे कैसे बोलो, नहीं समझा, लिखो इसके नीचे, रेफर प्रॉब्लम नंबर। इसी के नीचे लिखिए, रेफर प्रॉब्लम नंबर 11, पेज नंबर 41। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, वो प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट अ मिनट। प्रॉब्लम नंबर 6, नॉट 11, प्रॉब्लम नंबर 6, पेज नंबर 40, प्रॉब्लम नंबर 6, पेज नंबर 40, सॉल्व इट। Should I solve? X, an officer of Punjab government get 5,000 per month, gets 5,000 per month as entertainment allowance. He get basic DA, HRA. During the relevant previous year, he utilized the entire allowance for private purpose. The AO is therefore of the view that entertainment allowance is fully taxable. Is he legally correct? If not, determine the entertainment allowance deductible from salary. Bataiye. Is AO correct or incorrect? Pakka? Sure, please write down. As per section 16, 1, 2 or 3, as per section 16 subsection 2, entertainment allowance received from employer
इज टैक्सेबल एज सैलरी एंड इज टैक्सेबल एज सैलरी एंड डिडक्शन इज अवेलेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोअर ऑफ पॉइंट नंबर ए एक्चुअल, बोलो कितना मिल रहा है, 5,000 इंटू 12 दैट इज 60,000, बी मैक्सिमम लिमिट एनीबडी 5,000 पर एनम, सी 20% ऑफ बेसिक सैलरी एनीबडी, व्हाट इज बेसिक सैलरी 20,000 इंटू 12 इंटू 20%, इज इट 48,000, चेक कर लीजिए, देयरफॉर द एग्जम्पशन शैल बी, बोलो रुपीज 5,000 पर एनम, बहुत हार्ड, एवरीबडी मालिक डन। चलिए, सो ये था डिडक्शंस। आई थिंक अब सिर्फ क्या बाकी है, पर्क्स। और अब तक आपने जितना सैलरी पढ़ा वो सब था 50%, बचाओ 50% पर्क, जिसका मतलब ये है आपने जितना सैलरी पढ़ा है उतना ही बड़ा क्या है, पर्क्स। बोलो हाँ, परक्विजिट तीन प्रकार के हैं, सुनिए, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जम। जैसे अलावेंस तीन प्रकार के थे, याद है तुम्हें? हाँ, बस बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे अलावेंस तीन प्रकार के थे उसी तरीके से परक्विजिट भी तीन प्रकार के हैं, फुल्ली एग्जम, पार्टली, फुल्ली टैक्सेबल। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं, फुल्ली एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स। क्या बोले बेटा हमने? फुल्ली एग्जम्प्टेड परक्विजिट, ऐसे परक्विजिट जो टोटली एग्जम्प्ट है, मतलब अगर मिले भी है तो आपको इसे क्या करना है, एग्जम्प्ट। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, गिव द फर्स्ट पॉइंट, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, देखिए एम्प्लॉय जो है अगर जब तक कस्टमर नहीं आ रहा वो बोर हो जाएगा, उससे अच्छा एटलीस्ट मैगजीन पढ़ ले। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड करता है, मैगजीन। ऑफिस के अंदर नहीं, आज भी पढ़ते हैं लोग, ऐसा नहीं है, ऑफिस के अंदर में न्यूज़पेपर दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, ये जो है टोटली एग्जाम। सेकंड, टी एंड स्नैक्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, हर ऑफिस का एक कल्चर होता है, चाय नाश्ता, चाय दिन में तीन बार आती है एम्प्लॉय के लिए, टी एंड स्नैक्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर टोटली एग्जम्प्ट। तो जो चाय नाश्ता है इसको ऑफिस में मिलता है
एग्जाम्ड, फ्री मील इन रिमोट एरिया और ऑफशोर यूनिट, फ्री मील इन अ रिमोट एरिया और ऑफशोर यूनिट, व्हाट इज फ्री मील? खाना। सोचिए सर, अगर आप मार्बल माइंस में काम कर रहे हैं, आदमी खाना खाने के लिए माइंस के बाहर नहीं आएगा, सिर्फ उसके लिए वही अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, फ्री मील्स। यस, ऑफशोर यूनिट्स, अगर आप शिप क्रू मेंबर है, खाना आपको शिप पे प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा नहीं कि आपको वापस पानी में कूद के तैर के खाना खा के वापस आना है ना, आपको खाना वहीं पर। तो रिमोट एरियाज जो है, रिमोट एरियाज या ऑफशोर यूनिट के अंदर में जो खाना प्रोवाइड किया जाता है, ये टोटली एग्जम्प्ट। नेक्स्ट, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी इन अ हॉस्पिटल, वेट, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी इन अ इंस्टीट्यूट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड कॉस्ट पर मंथ डज नॉट एक्सीड रुपीज 1000। मान लीजिए कल चल के अगर दर्शन सर का बेटा सुदर्शन हो जाता है, या उनकी बेटी दर्शना, इन्हें भी हम वी स्मार्ट में पढ़ाते हैं, और कॉस्ट पर मंथ 1000 रुपए से ऊपर नहीं जा रही है तो एग्जम्प्ट, 1000 रुपए से ऊपर जा रही है टैक्सेबल। एग्जम्पशन कब है? व्हेन इट डज नॉट एक्सीड 1000 पर मंथ। फिफ्थ, ट्रैवलिंग फैसिलिटी टू रेलवे एंड एयरलाइन स्टाफ, वो जो दीदी होती है, वो नहीं होती है, वो एयरहोस्टेस दीदी, एयरहोस्टेस दीदी भी ट्रैवल करती है। कभी आपने उससे ये पूछा, तुम्हारी टिकट दिखाओ, तुम कहां बैठी हो, ऐसे कभी पूछ रहे हम? नहीं, उनको ये फैसिलिटी फ्री होती है, ये सुनो। तो यहां से वहां ट्रैवल करने की जो उनको फैसिलिटी होती है वो फ्री होती है। टिकट कलेक्टर को पूछा, हमारी टिकट तो बड़े मांगने आ गए, तुम्हारी दिखाओ, नहीं, उनको ये फैसिलिटी फ्री होती है और इसके लिए उन्हें कोई चार्ज होता नहीं। नेक्स्ट, इंश्योरेंस बाय एम्प्लॉयर पर्सनल और ग्रुप, इंश्योरेंस बाय एम्प्लॉयर पर्सनल और ग्रुप। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के अगर इंश्योरेंस निकाला, पर्सनल इंश्योरेंस या ग्रुप इंश्योरेंस, टोटली एग्जम्प्ट। सेवेंथ, याद आ जाएगा वैसे ये, परक्विजिट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया, कुछ याद आ रहा है क्या? अलाउंस और परक्विजिट जो आउटसाइड इंडिया दिए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, वो क्या है? एग्जाम। सैलरी क्या है? टैक्सेबल। नेक्स्ट, कंप्यूटर ऑब्लिक लैपटॉप गिवन फॉर ऑफिशियल और पर्सनल यूज, नेक्स्ट, समझा ही नहीं होगा ना तुमको तो ये। खैर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कंप्यूटर देता है, लैपटॉप देता है, खैर अब तो टैब,
ऐप से भी काम हो जाएगा, मोबाइल देता है एनी मोड, जिससे वो रामायण महाभारत के वीडियो देख के अपने संस्कार बड़े कर सके। ऐसा कोई भी यंत्र अगर आपको ने दिया है उसे यूज, चाहे वो ऑफिशियल हो या पर्सनल हो, टोटली एग्जाम। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स आफ्टर द यूज ऑफ 10 years बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। मान लीजिए कोई असेट था, एम्प्लॉयर ने परचेस किया था, 10 साल उसने यूज किया, उसके बाद एम्प्लॉय को दे दिया कि चल मैंने यूज कर लिया, अब तू रख ले। फॉर एग्जाम्पल अ टेबल, मेरे को सही में समझ में नहीं आता है हंसते क्यों है। अच्छा मुझे एक बात बता, इसमें कौन सा मतलब फर्नीचर से तुमको क्या मतलब, 10 साल एम्प्लॉयर ने लेट से टेबल यूज कर दिया, बेचारे का नए घर बन रहा था उसको दे दिया, अब तू यूज कर, 10 साल के बाद दिया, 10 साल मतलब 100% डेप्रिशिएट हो चुका होगा। कैसे बकवास लोग है। तो अगर मूवेबल असेट यूज करने के लिए दिया जिसको 10 साल हो चुके हैं, टोटली एग्जाम। अकोमोडेशन इन होटल अप टू 15 days। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अकोमोडेशन इन होटल प्रोवाइड करवाता है, क्यों आइए मैं आपको बताता हूं। हो सकता है एम्प्लॉय अपने परिवार के साथ वेकेशन मनाने जाए, तो 15 दिन जो अकोमोडेशन होता है राइट, ये एम्प्लॉयर की तरफ से होता है। एम्प्लॉयर ने अगर 15 दिन इन एग्रीगेट साल भर में अगर होटल का अकोमोडेशन, 15 दिन सफिशियंट है ना साल भर में, टोटली एग्जाम। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन अप टू ₹20,000। कई बार एम्प्लॉय को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया ₹20,000 तक का, अगर ये लोन है कितने तक, ट्वेंटी थाउजेंड तक का लोन है एग्जम्प्ट, 20,000 से ऊपर है टैक्सेबल। इज दैट डन? एक याद दिला देता हूं, टेलीफोन एट रेसिडेंस, कुछ याद आया है? टेलीफोन अलाउंस इज टैक्सेबल, टेलीफोन एट रेसिडेंस इज नॉट टैक्सेबल। इंटरेस्ट फ्री लोन लोन फॉर स्पेसिफाइड डिसीजेस, कई बार एम्प्लॉय को कई खतरनाक बीमारी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस,
इससे लड़ने के लिए उसे कॉस्ट दी जाती है, स्पेसिफाइड डिजीज से लड़ने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ परक्विजिट टोटली एग्जम्प्ट। गिफ्ट अप टू रुपीस 5000 पर एनम। देखिए गिफ्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, चाहे किसी भी रीजन से दे, उसके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, उसके बर्थडे के लिए। भाई साहब आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई सेड नॉट व्हाट यू अंडरस्टूड। मुझे पता नहीं आप लोग क्या सोच के क्या हंसे जा रहे हैं। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताइए, ये जो इतना एक्टिव दिमाग है आप, ये मेरे लेक्चर में लगाते हैं या मैं ही इतना लकी हूं या और भी कोई टीचर लकी है? अच्छा मैं ही इतना लकी हूं, समझा। सो गिफ्ट, अच्छा सुनिए, हो सकता है एम्प्लॉय की शादी पे आप गिफ्ट दें, उस टाइम पे भी मैक्सिमम लिमिट 5000 ही है, उस टाइम पे भी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 5000। याद रखिए आप लोगों ने, ऐसा हो सकता है कि गिफ्ट की वैल्यू 50000 तक सुनी हो, दैट गिफ्ट अप टू रुपीज 50000 इज एग्जम्प्ट, बट नॉट इन केस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इन केस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप द मैक्सिमम लिमिट इज 5000 नॉट 50000, द मैक्सिमम लिमिट इज 5000 नॉट 50000। इज दैट डन? यस। दिस इज ऑल परक्विजिट विच आर एग्जम। मैंने आपको जाने नहीं बोला, मैंने बोला दिस इज ऑल परक्विजिट्स विच आर एग्जम। सो लेट्स फोकस। ओके, वी नीड टू स्टॉप हियर। सर हम लोगों ने आज क्या क्या किया? आज हमने सर बहुत कुछ किया। आज हम लोगों ने रिटायरमेंट बेनिफिट्स किए, आज हम लोगों ने डिडक्शन किया और परक्विजिट का एक पार्ट कर लिया। कल और परसों